हेलो बच्चो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चो क्या हाल चाल थोड़ा बारिश हो गया तो लेट हो गए आई थिंक टू मिनट्स वी आर लेट, सॉरी फॉर दैट क्या बात है बच्चों, क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है तो आप सभी लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस जो आपने कल मनाया है उसको हम लोग नहीं बोल पाए थे तो उसके लिए आज आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी लोग बढ़िया तरीके से स्वतंत्र भारत के नागरिक बन के रहें और आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक दूसरा परेशान ना हो रहा हो तो इस बात का हम सभी को ध्यान भी रखना है कि अपनी स्वतंत्रता के चक्कर में किसी दूसरे की लंका ना लगे ये भी बहुत आवश्यक है ठीक है ना तो अपनी स्वतंत्रता को उतना ही स्वतंत्र माना जाए कि इससे किसी दूसरे का कोई नुकसान ना हो राइट तो चलो आओ शुरुआत करते हैं आज की और आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज हम लोग का ग्राफिकल है तो उसके पहले आज की हमारी क्विज होगी कुछ छोटे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड देन वी विल मूव ऑन टू द ग्राफिकल सेक्शन तो आज हम लोग कोशिश करके अपने ग्राफिकल सेक्शन को खत्म करेंगे तो जल्दी से बिना किसी देर के जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ फटाफट फड़। आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ स्लोप स्लोप का कंसेप्ट क्या है ए टी बी टी कर्व कैसे कैसे बनाए जा रहे हैं और किस किस तरीके कर्व्स हमसे पूछे जाएंगे उन सभी पर चर्चा करना प्रारंभ करेंगे क्या बोलो बात समझ में आती है रे बच्चा सब कुछ आवन जावन प्रॉपर है आपको प्रॉपर आवाज सुनाई पड़ रही है सब कुछ एकदम प्रॉपर है किसी तरीके कोई परेशानी तो नहीं गुड 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 क्वालिटी को लेके थोड़े से इश्यूज है हां भाई वॉइस अभी क्लियर है वॉइस आवाज प्रॉपर आ रही है बच्चों को बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट अगर वॉइस क्लियर है सब कुछ क्लियर है सब कुछ प्रॉपर है सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं जल्दी से पहले थम्स अप दे दो फटाफट मुझे जल्दी से शो योर इनर्जी बच्चों अच्छा लोग जल्दी से बोलो शेरो अगर सब कुछ आवाज प्रॉपर आ रहा है एवरीथिंग इज क्लियर देन जस्ट गिव मी थम्स अप प्रॉपर है सब कुछ किसी तरीके की शंका कोई परेशानी Okay, 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 yes, 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 okay, 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 good, 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 good. गुड 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 चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई, भाई। शुरू करते हैं आज भाई पहला क्वेश्चन क्विज की बात करेंगे लेकिन उससे पहले जल्दी से क्विक रिवीजन जो अभी तक हम लोगों ने कर लिया है आपको लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने समझा दिया था मोशन अंडर ग्रेविटी को हमने पूरी तरीके से खल्लास कर दिया था और बेसिक बातें कर ली थी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी जो केस टू और केस थ्री की बात की थी मैंने कहा था मेरे प्यारे बच्चे सब लोग इस छोटे से होमवर्क को करके जरूर आएंगे और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोगों ने ये होमवर्क कर भी लिया होगा राइट अगर किसी भी बॉल को जल्दी से क्विक रिवीजन, अगर यहां से ड्रॉप किया जाता है इसकी प्रारंभिक वेलोसिटी यू बराबर जीरो होती है तो इसको एच हाइट नीचे पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है ये वैल्यू एकदम दिमाग में बैठा लो भैया एकदम दिमाग में रखी होनी चाहिए रखियो और अगर एक बॉल को मेरे प्यारे बच्चों एक बॉल को नीचे की तरफ विद सर्टेन वेलोसिटी यू फोका फेंका जाता है मतलब यहां पर हम बोलते हैं यू की वैल्यू निगेटिव है अगर यू की वैल्यू निगेटिव है तो टाइम हो जाता है माइनस का यू बाई जी प्लस रूट के अंदर यू स्क्वायर पॉइंट जी स्क्वायर प्लस टू एच अपॉन जी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसका तीसरा केस भी हम लोगों ने ध्यान से देखा था और वो केस क्या था कि अगर मैंने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है तो ये बॉल ऊपर से जाके फिर नीचे की तरफ गिरती है मतलब इस केस में आपका यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इस केस में जो टाइम होता है वो यू बाई जी प्लस अंडरवुड के अंदर यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस टू एच अपॉन जी के बराबर होता है ये तीन बातें मैंने आपको बहुत क्लियरली बताई हैं समझाई हैं सभी लोगों ने देखी हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे राइट right? और मैंने एक बात और बताने की कोशिश की थी कि जब ये ब्लॉक यहां से ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो ये वाला मोशन और ग्रीन वाला मोशन दोनों एक जैसे ही हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस वाले में ऊपर फेंकने और नीचे फेंकने में सिर्फ इतने पार्ट का ही डिफरेंस है जो इसने ऊपर से लेके नीचे तक आया है बाकी सारी बातें कैसी है एकदम सेम है, है बोलो बोलो हाँ या ना, एकदम पक्की बात है बोलो जक्कास, एकदम पक्की बच्चा, शानदार, तो टाइम की बातें हम लोगों ने कर ली था जल्दी से इस पर क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है चीजों को अच्छे से करेंगे आफ्टर बेलिंग आउट, 50 मीटर, पचास मीटर कूदने के बाद बेलिंग आउट मतलब कूद गया जहां से कूदना था फ्री फॉल किया 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन बिना किसी फ्रिक्शन के वो फ्री फॉल कर रहा था पैराशूट पैराशूट जब ओपन हुआ, इट स्पीड ऑफ थ्री मीटर पर सेकेंड एट वॉट अप्रोक्सीमेट हाइट डिड ही बेल आउट किस हाइट से वो बेल आउट हुआ था यह आपको बताना है जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे फटाफट 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 मान ले सब लोग सॉल्व करें सब लोग फटाफट एच हाइट से वो बेल आउट हुआ है डायग्राम पहला स्टेप हमेशा याद रखो स्टेप नंबर वन क्या होता है डायग्राम बनाना स्टेप नंबर वन क्या होता है रे बच्चों डायग्राम बनाना डायग्राम में पहले क्लियर स्पेसिफाई किया करो कि देखो भैया यहां से यहां तक 50 मीटर जो जो दिया गया है वो लिख डालो पचास मीटर वो फ्री फॉल किया फ्री फॉल मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं लगा मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा इसके बीच में तो क्या वो ग्रेविटी के अंदर मूव किया कि नहीं किया क्या वो ग्रेविटी के अंदर मूव किया फ्री फॉल कंडीशन पर आया कि नहीं आया अगर फ्री फॉल कंडीशन पर आया तो एक्सीन कितना बोलो जी और नहीं जल्दी बोलो बेटा पोल नहीं हो पाएगा आप यहीं पेक्सर आंसर देंगे पोल अभी नहीं हो पाएगा आप आंसर नहीं देंगे क्योंकि पोल में फिर टाइम लग जाएगा काफी ज्यादा तो हम लोग जल्दी से जल्दी आंसर देंगे एक्सेलरेशन बोलो कितना आएगा 50 मीटर तक जल्दी बताओ सब लोग बताओ फटाफट बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा टिल 50 मीटर क्या बोल सकते हैं द एक्सेलरेशन इज जी ओ हो डीबीपी के सॉल्यूशन आपको लेक्चर के बाद प्राप्त हो जाएंगे बच्चों डीपीपी के सॉल्यूशन आपको लेक्चर के बाद प्राप्त हो जाएंगे क्वालिटी का इश्यू रिजॉल्व होगा बेटा अब उसने दूसरी इंफॉर्मेशन दी है कि जब यहां पर उसने पैराशूट खोल दिया मतलब अब यहां पर इसका पैराशूट खुल गया नाउ इफ द पैराशूट इज ओपन नाउ इफ द पैराशूट इज ओपन तो बाकी बची हुई हाइट ट्रेवल करने के बाद उसकी स्पीड रह जाती है तीन मीटर पर सेकेंड और बता दिया गया है पैराशूट ओपन करने के बाद डी डीएक्सीन डी एक्सिलरेशन मतलब क्या होता है निगेटिव एक्सीलेशन या वेलोसिटी के विपरीत एक्सिलरेशन डी एक्सिलरेशन का मतलब क्या होता है मित्रों

डीएक्सिलरेशन का मतलब क्या होता है क्या रेट डी एक्सिलेशन मतलब निगेटिव एक्सिलरेशन होता है या वेलॉसिटी के विपरीत एक्सिलरेशन होता है जल्दी से बताएं सभी लोग बताएं एयर ड्रैग नहीं है बेटा फ्रिक्शन बोला गया नहीं लेना है अभी वेलॉसिटी के विपरीत वेरी गुड डी डीएक्लेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का विरोध होना मतलब अगर वेलोसिटी नीचे की तरफ है और अगर कोई बॉडी डी डीएक्लरेट कर रही है इसका मतलब एक्सिलरेशन उसका विरोध करेगा मतलब एक्सिलरेशन ऊपर की तरफ होगा बच्चों किधर की तरफ होगा ऊपर की तरफ होगा तो यहां पर एक्सिलरेशन की दिशा किधर की तरफ आपने बोला दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ होगी आपने कहा सर वेरी गुड अगर क्या मैं यहां पर वेलॉसिटी बता सकता हूं कितनी होगी

क्या मैं लिख सकता हूँ वी v बराबर स्क्वायर v बराबर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस आपने क्या सर लिख सकते हैं ध्यान से देखना जीरो प्लस टू इंटू माइनस का जी इंटू माइनस का एच माइनस का एच मतलब नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो माइनस का एच साइन आएगा बच्चों कितना आ गया आपने कहा रूट के अंदर दो गुणे दस गुणे पचास क्या बोलो दिखाई पड़ता है प्यारे बच्चों कितना हो गया पचास दूनी सौ और सौ इंटू दस तो इसको मैं लिख सकता हूं टेन रूट टेन या अंडर रूट ऑफ एक हजार अंडर रूट ऑफ एक हजार या टेन रूट टेन अरे बोलो मेरे भाई क्या यही लिखेंगे क्या डीलरेशन तो uh, uh, 10, 10, हो रहा है और ये दो मीटर तीन मीटर पर सेकंड फाइनल आ रहा है एक्सिलेशन गिवन है ये एच हाइट निकालनी है अब देखो यहाँ पर भी प्र, प्रारंभिक वेलोसिटी पता है फाइनल पता है अगर मैं इस इन दोनों पॉइंट्स के बीच की बात करूं तो यहां पर अगर मैं वापस से लिखूं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ तो हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों एक्सिलरेशन ऊपर की तरफ है प्रारंभिक वेलोसिटी कितनी थी आपने कहा टेन रूट टू का टेन रूट टेन का स्क्वायर फाइनल कितनी हो गई आपने कहा सर नाइन। क्योंकि यू तीन का स्क्वायर करेंगे प्लस कहान अब पॉजिटिव है और एस निगेटिव है मेरे प्यारे बच्चों एक्सिलरेशन दो और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है माइनस का एच तो आपने कहा सर अगर मैं यहां से बात करूं तो ये हो जाएगा दस का स्क्वायर करेंगे यहां पर आ गया एक हजार यहां पर आ जाएगा माइनस का नौ इट इज इक्वल टू इंटू टू इंटू एच ये इधर चला जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे बच्चे ये नीचे की तरफ आ रहा है डिस्प्लेसमेंट एच निगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया फाइनल वेलोसिटी उल्टी लिख दी सॉरी 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 माय मिस्टेक मैं ध्यान नहीं दे पाया प्रारंभिक वेलोसिटी है टेन रूट टेन माई मिस्टेक इसका स्क्वायर और अंतिम वेलोसिटी तीन है माइनस का टू इंटू टू इंटू एच आप ध्यान से देखो एच की वैल्यू कितनी निकल के आ गई कितने लोग आ गया थाउजेंड माइनस नाइन बटे चार नो वी कैन अप द वैल्यू एंड अप द आंसर जल्दी देखो आंसर निकालो क्या आंसर ए ऑप्शन से मैच करता हुआ चमक रहा है वेरी गुड 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 बेटा यहां पर देखोगे तो नौ सौ इनबे बटे चार लगभग लगभग दो सौ पैंतालीस के लगभग का फिगर बनेगा सॉरी तो दो सौ अड़तालीस के लगभग का फिगर बनेगा जाके यहां पर लगभग टू फिफ्टी एट और प्लस फिफ्टी कर देंगे तो टू नाइनटी थ्री का फिगर बन जाएगा जाके अप्रोक्सीमेट अपन बात कर रहे हैं तो आप यहां पर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं बोलो हा या ना तो भैया जल्दी से सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या निकल के आ गया 293, 293 इज द क्लोजेस्ट करेक्ट ऑप्शन क्लोजेस्ट करेक्ट ऑप्शन याद रखिएगा बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो पहले का आंसर नंबर वन सही हो गया है आप लिखेंगे प्लस फोर और फिर लिखेंगे माइनस वन जिसका जो हुआ है जल्दी लिखें क्वेश्चन अच्छे हैं प्रैक्टिस बढ़िया होगी स्टोन इज थ्रोन स्ट्रेट अपवर्ड विद स्पीड ऑफ ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ टॉवर ऑफ ट्वेंटी मीटर हाई स्पीड विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड इज अप्रोक्सीमेटली कितनी स्पीड होगी जी की वैल्यू नौ दशमलव आठ लेने को बोला गया है यहां से ऊपर की तरफ फेंका गया और कितने स्पीड से बीस मीटर पर सेकेंड से पूछा गया है जब ये वापस को टकराएगा तो इसकी स्पीड वेलोसिटी ऑफ वे स्ट्राइक कितना होगा ये बता दो क्या हमको ये हाइट गिवन है जल्दी सब लोग फिगर बनाओ एक्सीलेशन बनाओ कितना हो गया जी बोलो हाँ या ना जी अरे बोलो हाँ जी या ना जी हा कोई बात नहीं कोई बात नहीं यार शेरो, किसी का प्लस फोर किसी का नहीं अभी अभी टेंशन है ना? अभी अपने पास चार चार क्वेश्चन क्वेश्चन और बचे इन में स्कोर पूरा करना है अपने को मेरा भाई चार क्वेश्चन में स्कोर पूरा करने का है है ना एकदम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन बढ़िया है कैलकुलेटिव है शानदार तरीके से करो और देखते हैं इसमें कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं मुझे जरा जल्दी से देखिए बताइए फटाफट क्या आंसर होगा 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ गया फिर घूम के नीचे तक गिर रहा है क्या निकालना है फाइनल प्रारंभिकसमेंट के के तो आपने बोला माइनस एच क्यू माइनस एच आपने कहा नीचे की तरफ हुआ है इसलिए माइनस एच का डिस्प्लेसमेंट हुआ आपने कहा सर डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस एच हो गया माइनस जी प्रारंभिक वेलोसिटी हो गई प्लस का बीस आपको निकालना क्या है आपने कहा फाइनल वेलोसिटी निकालनी है जल्दी से बताओ क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे बेटा जल्दी से सब लोग करो आंसर बताओ वी स्क्वायर प्लस ऑफ ए एस ट्वेंटी का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्सीन हो गया माइनस दस डिसमेंट हो गया माइनस का एच एच की है दो सो तो माइनस का दो सौ और ये हो गया वी स्क्वायर यह हो गया चार सौ प्लस यहां पर बेटा अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा अपना लगभग चार हजार है ना दो दो चार फोर थाउजेंड तो v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रुट ऑफ चवालीस सौ अंडर रुट ऑफ फोर्टी फोर हंड्रेड अगर सत्तर का स्क्वायर करेंगे अगर सत्तर का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा उनचास सौ साठ का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा छत्तीस सौ मेरे दोस्त बहुत ध्यान से देखना अंडर रुट चौवालीस सौ की वैल्यू हो सकता है ना पता हो हो सकता है ना पता हो लेकिन हमको ये जरूर पता होगा कि साठ का स्क्वायर छत्तीस होता है और सत्तर का स्क्वायर फोर्टी होता है बोलो आता है कि नहीं आता जल्दी बताओ फटाफट -फड़ बताओ सब लोग बताओ क्या इतना आता है उसी बच्चे को ये डाउट आया कि सर पिछले क्वेश्चन में 50 के बाद क्या ग्रेविटी नहीं लगेगी बेटा कल भी ऐसा ही क्वेश्चन कराया था और वहां पर भी मैंने बोला था कि बेटा वो रॉकेट का एक्सीलेशन लिखा था दस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कल की क्लास मतलब लास्ट क्लास में मैंने बोला था कुछ बच्चे ये वाली बातें बोलते हैं कि सर रॉकेट का एक्सिलेशन ऊपर की तरफ दस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है नीचे की तरफ भी जी लग जाएगा तो एक्सिलरेशन जीरो हो जाएगा बेटा मेरे प्यारे प्यारे, प्यारे बच्चे एक बात हमेशा ध्यान रखना कि भैया इसको छत्तीसो लिख दू नहीं ऐसा दिखाई ना पड़े आप लोगों को उनचास इनके बीच की बात होगी तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या आ गया सेकेंड सिक्सटी और जिस बच्चे को पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि यहां के बाद ग्रेविटी लगेगी तो दो ऊपर और दस नीचे टोटल मिला के आठ नीचे होना चाहिए उस बच्चे से सागरे अनुरोध है कि कल भी इस क्लास में मैंने बताया था और अभी फिर बता रहा हूं कि बेटा ये नेट एक्सिलरेशन दिया होता है ये जी को हटा के एक्सिलरेशन नहीं दिया होता है जब भी एक्सिलरेशन दिया जाएगा मतलब वो एफ नेट नेट फोर्स अपॉन टोटल मास होगा मतलब वो नेट फोर्स का एक्सिलेशन दिया जा रहा होगा इस बात आप सभी को ध्यान रखनी है चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ ये यहां पर कर दो फटाफट फ़ड़, प्लस फोर माइनस वन जो भी आया जल्दी लिखो प्लस फोर माइनस वन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ अ बलून इज एट हाइट ऑफ इक्यासी मीटर एक बलून जो एक हाइट इक्यासी मीटर पर है एंड इज असेंडिंग अपवर्ड विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड और वह ऊपर की तरफ 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है अ बॉडी ऑफ 2 केजी वेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट एक बॉडी जिसका वेट uh, कितना है दो किलो उसको वहां से फेंक दिया गया इफ इज इक्वल टू टेन मीटर पर सेकेंड द बॉडी विल रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन अब ये भी सारे के सारी वैल्यू कैलकुलेटिव है बच्चे आज पूरी क्विज कैलकुलेशन बेस लेकर आया हूं आपने स्टार्टिंग से क्वेश्चन देख रहे हो आज सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं एक बच्चा पूछ रहा सर आप पीवाई क्यों नहीं करवाते हो बेटा पीवाई क्यू इसके पिछले सेशन में भी कराए थे जैसे जैसे पीवाई क्यू आते जाएंगे वैसे वैसे हम कराते जाएंगे ग्राफिकल के पीवाई क्यूज आते जाएंगे हम कराते चलेंगे पीवाई क्यूज भी आपके क्विज के साथ कवर होते हैं बहुत सारे में लिखा नहीं होता है कि जेई मेन का क्वेश्चन है लेकिन मैं बताता हूं कि ये जेई मेन का क्वेश्चन है आप जब टैली करोगे आपको दिख जाएगा आप पीवाई क्यू ही सॉल्व कर रहे हैं अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो बॉडी ऑफ टू के जी वेट इज ड्रॉप फ्रॉम इट कितना हो जाएगा कितने समय की बात पहुंचेगा तो अगर याद करिए मैंने क्या कंसेप्ट क्या हो गया यहां का अगर मैं कंसेप्ट की बात करूंगा तो कंसेप्ट क्या हो गया बॉडी ड्रॉप अगर किसी बॉडी को किसी मूविंग बॉडी से फेंका जाता है इट हैज द सेम वेलॉसिटी एज ऑफ द मूविंग बॉडी बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ मूविंग बॉडी तो जैसे एक ये बलून था इससे एक स्टोन को फेंका गया तो स्टोन अगर बलून ऊपर की तरफ जा रहा था 12 मीटर पर सेकेंड से तो बेटा ये स्टोन भी ऊपर की तरफ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड से तो पहली चीज पहला कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या हो गया कि अगर किसी बॉडी को किसी मूविंग बॉडी से ड्रॉप किया जाता है तो उस बॉडी के पास उस बॉडी के पास उस मूविंग बॉडी के बराबर की वेलोसिटी आ जाती है और मैंने कहा तो बेटा अगर इसको देखना है तो एकदम जुवा केसरी करके देखना याद आ रहा है क्या जुआ केसरी वाला कि साइकिल पे एकदम पीछे बैठ के जाएंगे और जैसे ही स्पीड ब्रेकर वाला व्हाइट पट्टी आएगी अपन पिच कर देंगे मतलब अपन को नहीं करना अपन को कुछ फेंकना है जो नालायक आदमी है वो ऐसी हरकतें करते हैं अपन क्या करेंगे कुछ सामान को ऐसे फेंक देंगे और देखेंगे क्या वो व्हाइट पट्टी पर गिरा कि आगे गिरा तो आप खुद देखेंगे कि वो वो सामान जो होगा थोड़ा सा आगे गिरेगा जाके एंड यू विल रियलाइज कि उसके पास वेलोसिटी आपके हाथ की वेलोसिटी के साथ जुड़ी हुई थी इसलिए आप आगे की तरफ चले गए और ऐसे फिनोमिना जब आप बस से उतरते हैं जब आप ट्रेन से उतरते हैं कैसी बस कैसी ट्रेन चलती हुई बस चलती हुई ट्रेन अगर चलती हुई बस से उतरोगे चलती हुई ट्रेन से उतरोगे मेरे प्यारे बच्चे तो आगे भागते हो कि नहीं भागते हो है क्यों भागते हो? क्योंकि आपके पास भी ट्रेन के बराबर की स्पीड है आप भी मूविंग बॉडी हो आप भी चल रहे हो इसलिए ये ऊपर की तरफ जाएगा, मेरे प्यारे बच्चों ये की तरफ जाएगा और, और पूछा गया अर्थ कब आ, कब नीचे आएगा तो आपको याद है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा बेटा u बाई जी प्लस ऊपर की तरफ फेंका गया है तो यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस टू एच अपॉन जी वैल्यू इसको पुट कर सकते हैं बच्चे यहां पे पहला वैल्यू 12 तो 12 बटे जी 10 हो गया प्लस अंडर रूट के अंदर यहां 12 का स्क्वायर नीचे 10 का स्क्वायर प्लस 2 एच की वैल्यू हो गई 81 बटे 10 तो अब अगर मैं यहां पर 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144 144 1.44 प्लस आ, 2 81 करेंगे अपॉन 10 हो जाएगा बेटा तो इक्यासी दुनिया एक 162 और एक प्लस वन जरा वैल्यू निकाल लीजिए कितनी आ रही है सब बच्चे वैल्यू निकालें कितना आ रहा है आंसर देखिए बेटा आंसर क्या सेकंड ऑप्शन मैच करता हुआ दिखाई पड़ रहा है बच्चों सिर्फ अगर मैं इसकी बात करूं तो ध्यान से देख लेना बेटा इक्यासी बटे दो इंटू पांच तो अगर मैं यहां पर बात करता तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इक्यासी का अंडर है और साढ़े चार प्लस एक फाइव पॉइंट फोर आएगा ऑप्शन नंबर थ्री विल बी द करेक्ट ऑप्शन सॉरी अब मैंने इस कैलकुलेशन को कैसे किया सब लोग मेरे साथ इन कैलकुलेशन स्किल्स को पकड़ने की कोशिश करो मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं ध्यान से देखना एक दशमलव दो प्लस बेटा यहां पर आ गया अंडरवुड के अंदर एक दशमलव चवालीस प्लस बेटा इक्यासी बटे पांच मैंने ये लिखा अब मैंने कहा देख कहावालीस बहुत छोटी वैल्यू है कि नहीं है अपन को अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू चाहिए देखना बेटा जुगाड़ कैसे करनी है जुगाड़बाजी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट आपने कहा सर देखो अगर मैं इसको एक दशमलव दो लिख दू ये वाला प्लस और अंडरवुड के अंदर मैं इक्यासी बटे पांच लिखू मैं 1.44 को फॉर कैलकुलेशन पर्पज अभी रिमूव कर रहा हूं कि भाई एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कैसी बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटेड तो आपने कहा सर इक्यासी का अंडर रूट हो जाएगा नौ no. तो एक दशमलव दो प्लस नौ बटे अंडर रूट ऑफ पांच अंडर रूट ऑफ पांच की वैल्यू लगभग दो से थोड़ी ज्यादा टू पॉइंट टू चार से डिवाइड कर दोगे तो लगभग चार दशमलव दो तीन के लगभग की वैल्यू आ जाएगी अरे बोलो हाँ और उसमें है, और ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो लगभग देखो क्या वैल्यू के की बनती हुई दिखाई पड़ रही है बेटा मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी है लेकिन फिर भी मैं अप्रोक्सीमेटली उस इक्वेशन तक पहुंच रहा हूं तो कृपया करके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो हर जगह पर जरूरी नहीं है कि ये कैलकुलेशन देख के तुम लंका लगा के भाग लो अपनी ऐसा नहीं है कि हर जगह धोती उठा के भाग नहीं होता है कुछ जगह पर सामना करना पड़ता है और अच्छे से ये वाला पोर्शन एक दशमलव चार चार बहुत छोटा था इक्यासी बटे पांच के कंपैरिजन में तो हमने इक्यासी बटे पांच की अप्रोक्सीमेटेट वैल्यू निकालने की कोशिश करी और उसको जोड़ा तो अप्रोक्सीमेटेड ये आंसर निकल के आ रहा है और इसके नियर अबाउट कोई है भी नहीं क्योंकि लगभग सब में एक एक का एक एक का डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन यही है इसका मतलब यही सही होगा करने का तरीका सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और आंसर जिनका जिनका आ गया है वो फटाफट प्लस चार और माइनस एक ठोक दो प्लस चार माइनस एक ठोक दो बच्चों नेक्स्ट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व तीन कैलकुलेशन और दो ग्राफिकल क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डू नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन वेलोसिटी और टाइम का कर्व दिया गया है और पूछा गया है कौन सा ऐसा कर्व है ये क्वेश्चन बेसिकली एनसीआरटी से ही इंस्पायर्ड है एनसीआरटी पर इंस्पायर्ड क्वेश्चन है बेटा पीछे की तरफ लिखा हुआ क्वेश्चन ऐसा ही वट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन क्या होगा सही जवाब बेटा आपने यहां पर अगर देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा वेलोसिटी की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है कहीं पर भी दिशा का कोई लेना देना नहीं है यहां पर वेलोसिटी आगे पीछे आगे पस, प्लस प्लस माइनस हो रही है तो आप बोलेंगे सर एक पार्टिकल एक बट ऐसे ऐसे घूम रहा है लेकिन है तो वन डायमेंशन में ही ना एक ही दिशा में तो मोशन हो रहा है आगे पीछे का मोशन है लेकिन है तो एक दिशा में ही आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है यहां पर वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम फिर घटते घटते जीरो पार्टिकल चला बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पर पहुंचा वी मैक्स फिर चलते चलते वापस रुक गया वी बराबर जीरो आपने कहा कुछ इस तरीके का मोशन हो गया होगा यहां पर वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है आपने कहा पार्टिकल चलता जा रहा है लेकिन सबसे अनोखी बात ये मोशन नहीं है अगर ध्यान से देखें तो क्या बोलेंगे इसको बेटा ध्यान से देखो, एक टाइम पर पार्टिकल के पास दो दो वेलोसिटी, बबाल मचा दिया है इसने एक बी वन है एक बी टू है क्या बोलो एक समय पर दो दो वेलोसिटी, पॉसिबल है क्या अरे बोलो भाई ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या एक समय पर पार्टिकल दो, -दो स्पीड से दो दो बेलॉस चलेगा एक कम एक ज्यादा अबे सोचो चलेगा कैसे पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है ना तो ये मोशन ही नहीं जैसे बोलते हैं ना ये पुरुष ही नहीं महापुरुष है ये मोशन ही नहीं ये महामोशन है और ऐसे मोशन को हम लोग इग्नोर करते हैं इसको कट्टम जीरो खेल देते हैं तो अपन बोलते हैं ये मोशन पॉसिबल ही नहीं है तो ये मोशन इन वनडी क्या ये मोशन ही नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्लस फोर माइनस वन कर लेंगे बच्चों सभी लोग फटाफट और लास्ट क्वेश्चन पे आओ फटाफट अ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन वाईज थ्री एक्स इट्स इज शोन इन द फिगर इट्स स्पीड इट्स स्पीड इज मिनिमम एट इसकी स्पीड मिनिमम कब होगी ये पूछा गया है आपको टाइम स्टैम्प दे देता हूं ये दो ये चार ये छ ये आठ ठीक है ना दो चार छह आठ छह और आठ के बीच गैप ज्यादा है तो कृपया करके उसको ध्यान से समझेंगे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ पूछा गया है है स्पीड मिनिमम की बात पूछी गई है। कितना होगा जल्दी सब लोग बताएंगे फटाफट क्वांटम फिजिक्स में पॉसिबल है यार बात सही कर रहा है बच्चा सर क्वांटम फिजिक्स में पॉसिबल है कि एक टाइम पर एक पार्टिकल दो, -दो वेलॉसिटी हो क्वांटम फिजिक्स में यह भी पॉसिबल है कि एक टाइम पर एक पार्टिकल दो अलग अलग जगह विद्यमान हो ऐसा वो सोडिंगर कैट अंदर कैट मरी है कि जिंदा है किसको पता है ना जब तक खिड़की बंद है तो जब तक दरवाजा बंद है तब आप अंदर क्या कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता है ना तो आप अनसर्टेनिटी मॉडल पर पूरा काम चल रहा है भाई अब बताओ नेक्स्ट पर क्या होगा व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन स्पीड मिनिमम भाई साहब स्पीड कैसा स्पीड की मिनिमम वैल्यू हमेशा कितनी हो सकती है जीरो कई बच्चों का ऐसा लग जाता है कि स्पीड मिनिमम का मतलब, अरे भैया स्पीड है स्पीड का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड क्या होता है अरे बच्चा मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होता है बच्चों पॉजिटिव होता है तो स्पीड की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो शून्य बटे सन्नाटा हो सकती है तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर द आंसर इज टू गिव योर सेल्फ प्लस फोर और माइनस वन स्पॉन्डिंग टू योर आंसर माई फ्रेंड और जल्दी से आप फटाफट क्विकली कैलकुलेट करें पहला प्लस फोर माइनस वन कैलकुलेट करो दूसरा प्लस फोर माइनस वन कैलकुलेट करो प्लस फोर माइनस वन कैलकुलेट करो तीसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्लस फोर माइनस वन कैलकुलेशन में लेके आओ मतलब दूसरे नंबर का क्वेश्चन था ये ये भी प्लस फोर माइनस वन जल्दी से कैलकुलेशन ठोको प्लस फोर माइनस वन की और लास्ट प्लस फोर माइनस वन और कमेंट करके बताइए कितने लोगों के इन पांच क्वेश्चंस में कितने नंबर आए हैं टोटल नंबर थे ट्वेंटी और आप कितने पर पहुंचे आज कमेंट देखना चाहता हूं बाई ट्वेंटी भी बहुत लोगों के वेरी गुड प्राउड ऑफ यू पांच भी आया है कोई बात नहीं पांच भी है कुछ बच्चों के कम भी हैं सोलह भी है पंद्रह भी है वेरी गुड लेकिन जो मैक्सिमम कमेंट्स में देख पा रहा हूँ वो अच्छे मार्क्स के आज का तीन क्वेश्चन अच्छे कैलकुलेटिव होने के बाद भी आपने ये स्कोर किया है दैट इज़ वेरी गुड स्टार्टिंग ये तीन क्वेश्चन बढ़िया कैलकुलेशन के थे शानदार थे ये क्वेश्चन के लेवल भी बढ़िया थे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे अगर आपने इन क्वेश्चन में एक अच्छा स्कोर किया है सेटिस्फैक्ट्री स्कोर जो है मेरे हिसाब से इट शुड बी कि आपके लगभग पंद्रह नंबर आने चाहिए थे तीन में से कोई एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपसे गलत हो सकते थे मैक्सिमम खींच के लेकिन आपको एटलीस्ट एक से दो क्वेश्चन तो सही करने चाहिए थे तो सेटिस्फैक्ट्री जो मेरे लिए मेरे मन को संतोष देगा वो पंद्रह नंबर है पंद्रह से बीस के बीच में मैं संतोष में रहूंगा अगर आप बारह के क्वेश्चन के आसपास कहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे लगे कि आप इंप्रूव करें राइट right? और अगर आप अंडर टेन चले गए हैं तो इसमें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कृपया करके उसको थोड़ा अच्छे से बिल्डअप करें ठीक है चलो भाई जल्दी से आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ जाओ अरे बच्चा लोग फटाफट आओ फटा। अब हम बात कर रहे हैं गेम ऑफ स्लोप के बारे में स्लोप का गेम होता क्या है और गेम ऑफ स्लोप हम लोग खेलने जा रहे हैं पर सबसे पहले स्लोप की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं स्लोप का मतलब होता है इट रिप्रेजेंट इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सेस जनरली हॉरिजॉन्टल एक्सेस जिसको हम बोलते हैं इसके साथ जो इंक्लिनेशन बन रहा होता है स्लोप बेसिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है अगर मैं स्लोप को बात करें तो स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड स्मॉल एम के साथ और स्मॉल एम की वैल्यू होती है इक्वल टू टेन थीटा अगर मैं एम की बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है टेन थीटा के बराबर वेयर थीटा इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन एक्स एक्सेस एंड लाइन

इस लाइन का अगर मेरे से कोई स्लोप पूछे तो आप बोलेंगे सर स्लोप की डेफिनेशन होती है एम इज इक्व टू टेन थीटा वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्सिस एक्सिस सामान्य था इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल में होती है और जो वर्टिकल होती है उसको हम लोग बोलते हैं, तो, अगर मैं कर रहे हैं तो कौन सा एंगल मुझको डिफाइन करना चाहिए थीटा वन या थीटा टू दो टाइप के एंगल बनेंगे कौन सा डिफाइन करना चाहिए बेटा यस वेरी गुड हमेशा बोलते हैं एंगल थीटा इज डिफाइंड बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन मेजर्ड याद रखिएगा ये वर्ड मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के विरोध दिशा में घड़ी कैसी होती बारह तीन छह नौ तो अगर घड़ी चलेगी तो ऐसे चलेगी और घड़ी के अपोजिट में चलना है तो ऐसे चलना पड़ेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में हमें हमेशा एंगल को नापना होता है जिस भी रेफरेंस लाइन से हम एंगल नाप रहे हैं अगर हमसे कोई एंगल मेजरमेंट की बात की जाएगी तो वी ऑलवेज 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 डिफाइन द एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस ये दो बातें आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखनी है आपने कहा सर ठीक है M की बेसिकली तीन वैल्यूज पॉसिबल है एम बराबर जीरो एम बराबर पॉजिटिव और एम बराबर निगेटिव तो मतलब बेसिकली बात करें कि टेन थीटा की वैल्यू जीरो और टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव और टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव ये कब कब पॉसिबल होगी जरा इसके बारे में फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं अगर मैं फर्स्ट की बात करूं बेटा तो टेन थीटा की वैल्यू जीरो कब हो सकती है तो आप बोलेंगे सर टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो

जीरो डिग्री किस एंगल पर है जीरो डिग्री पर है बेटा अगर मैं एक्सिस सब सब आपने कहा ऑल पैरल लाइन ऑल पैरल लाइन किसके पैरल एक्स एक्सिस के पैरल किसके पैरल बच्चों एक्स एक्सिस के पैरल ऐसी लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये सारी की सारी लाइन का स्लोप शून्य होता है आपने कहा सर बहुत बढ़िया मैंने कहा दूसरा लिखो जब थीटा की वैल्यू जीरो से बड़ी हो जाए और नब्बे से छोटी हो जाए तब मतलब जब लाइन कुछ इस तरीके से बनी हो जब लाइन कुछ इस तरीके से बनी हो कि थीटा की वैल्यू कुछ ऐसे जा रही है यहां पर आप कहीं पर भी थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करें हर जगह पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी है अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री छोटी होती है तो टेन की वैल्यू बेटा पॉजिटिव होती है, तो स्लोप को हम बोलते हैं पॉजिटिव। है? और मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी कोपचा कोपचा बना के लिखते रहना है अगर थीटा की वैल्यू नब्बे डिग्री हो गई कैसी हो गई बच्चों थीटा की वैल्यू नब्बे डिग्री हो गई लिखते चलो तो क्या होगा वट इज द वैल्यू ऑफ टेन 90? माई फ्रेंड टेन नब्बे वैल्यू डिग्री की वैल्यू जल्दी बताओ क्या होती है इनफाइनाइट, पक्का? कौन सी लाइन होगी नब्बे डिग्री की लाइन का मतलब क्या हो गया आपने कहा सर ये वाई एक्सेस की लाइन क्या सिर्फ एक लाइन आपने कहा नहीं ये भी है? भी, है। भी है इसका भी है इसका भी है इसका भी है ये सारी की सारी लाइन कैसी है वो एक्स एक्सेस के परपेंडिकुलर कैसी है परपेंडिकुलर तो इसको बोलते हैं स्लोप इज इनफाइनाइट या लिख देते हैं नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट या लिख देते हैं नॉट डिफाइंड क्योंकि स्टेन 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो अनंत के बराबर होती है और इसके बाद इसका लास्ट बिंदु आता है जिसके बगल के कोप्चे में आप लोग लिखेंगे इस कोपचे में आके फटाफट लिख दीजिए कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी और 180 से छोटी हो गई अगर 90 से बड़ी और 180 से छोटी हो गई तो हम बोल सकते हैं लाइन कैसे बनेगी आप बोलेंगे सर लाइंस कुछ इस तरीके से बनेंगी जैसे एक ऐसी होगी आपने बोला सर एक ऐसी होगी तो इन सबका जब एंगल नापा जाएगा इन सबका एंगल बढ़ा होगा किससे 90 डिग्री से तो आपने कहा ऐसे केस में जो स्लोप होता है वो होता है आपने कहा सर बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है ना जल्दी जल्दी छोटे छोटे पॉइंट से लिखते चले बेटा साथ साथ हर एक पॉइंट को फटाफट लिखेंगे पहले स्लोप के हर एक बिंदु को समझेंगे हर एक बिंदु को समझेंगे स्लोप के जल्दी लिखो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट लिखो सारी बातों को लिखो हम्म चलो क्वेश्चन बताओ फटाफट डिफाइन स्लोप इसका स्लोप कैसा है पहला वाला स्लोप इन तीनों के स्लोप बताएं कैसे हैं पहले वाले के स्लोप कैसा है इसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोलेंगे क्या दिखाई पड़ रहा है बच्चे इसका एंगल थीटा जो है वो लेस देन नब्बे डिग्री अगर थीटा लेस देन नब्बे डिग्री तो इसको क्या बोलेंगे ए, पॉजिटिव स्लोप सेकंड की बात करेंगे ये भी भाई ऊपर से जाए चाहे नीचे से से जाए हमें किसी से मतलब नहीं कि लाइन कहां पर बनी है हमें कोई मतलब नहीं बेटा हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है ये एंगल भी नब्बे डिग्री छोटा है अब ये लाइन नीचे जाए ऊपर जाए ये सारी लाइन जो है इसका स्लोप भी कैसा है बच्चा पॉजिटिव अगर इसी लाइन को मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता क्या स्लोप में कोई परिवर्तन आता आप बोलते सर देखो जब तक एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल जब तक ये एंगल सेम है तब तक स्लोप सेम रहेगा आप लाइन को आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी शिफ्ट करते रहें जब तक लाइन का स्लोप सेम है मतलब अगर मैं एक लाइन लिखूं तो क्या सब मुझे एक बात बताएंगे कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत ऑल Parallel lines must have same slope. Statement true or false. जल्दी बोलो सब लोग बोलो फटाफट बोलो जितनी भी लाइन एक दूसरे के parallel hongi सारी की सारी पैरल लाइन का स्लोप एकदम परफेक्ट होगा ये सभी बच्चों को बताना है कि सबका स्लोप जो है वो सेम होगा इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट जल्दी बताएं सभी लोग करेक्ट इज और रॉन्ग पक्का एकदम सच्चा एकदम ट्रू वाला ट्रू एकदम ट्रू लव बहुत शानदार आपने बोला सर एकदम ट्रू लव मतलब सच्चा वाला प्यार है ये है? जितनी लाइन्स पैरल हैं, आपने बोला सर देखो m बराबर टेन थीटा है उसको इस बात से मतलब नहीं है लाइन कहां शुरू हो रही कहां खत्म हो रही कैसे लाइन है उसको सिर्फ एंगल से मतलब है अगर इन तीनों लाइंस की बात की जाए अगर इनके थीटा सेम है तो सबका स्लोप भी सेम होगा और सबका स्लोप सेम होगा ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया तो ऑल पैरा लाइन मस्ट द सेम स्लोप अगर मैं इसकी बात करूं बेटा तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब क्या हो गया आपने कहा सर इसका मतलब हो गया थीटा ग्रेटर देन नब्बे डिग्री हो गया अगर थीटा नब्बे डिग्री से बड़ा हो गया इसका मतलब स्लोप जो है वो निगेटिव होगा आपने कहा सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब छोटा सा पॉइंट और जरा देखेंगे बच्चे फिजिकल मीनिंग ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो एंड इनफाइनाइट स्लोप इनका फिजिकल मीनिंग क्या है इनका मतलब क्या है क्या मतलब होता है पॉजिटिव स्लोक का और क्या मतलब होता है नेगेटिव स्लोप का जरा एक बार सब बच्चे ध्यान से देखेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और हर एक बच्चे को इस चीज को बड़े अच्छे से देखना है सबसे पहले मैं मतलब बताने जा रहा हूं पॉजिटिव स्लोक का अगर स्लोप पॉजिटिव है मतलब लाइन जो हो सकती है वो कुछ इस तरीके से कैसी बन सकती है ये लाइन कैसी है इसका एंगल बस थीटा से ग्रेटर देन हो, और थीटा से लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए आपने कहा सर बिल्कुल सही है थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं आपने कहा सर नहीं मतलब मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है यार क्या हो? सर ये पॉजिटिव स्लोप निगेटिव स्लोप बहुत परेशान करते समझ समझी नहीं आता करना क्या चाहते हैं पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या समझते हो वॉट डू मीन बाई पॉजिटिव स्लोप

टाइम इज नॉट नेगेटिव जनरली हमारा ये तो ये एक वर्चुअल एरिया याद रखिएगा ठीक है ना सिर्फ बनाने के लिए बनाया वर्चुअल टाइम नॉट नेगेटिव तो कई बार बच्चे ऐसे बोल देते सर आपने पीछे की तरफ क्यों बनाया टाइम तो नेगेटिव नहीं है मैंने कहा हाँ भाई वो नेगेटिव नहीं है बस ये एक समझाने के लिए बना रहा हूं ठीक है ना तो आपने कहा ठीक है तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बना दिया अब इसका मतलब क्या है पहले समझना पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि जब आप समय में आगे बढ़ोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होता है कि एज यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन टाइम मतलब जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा मतलब पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है प्रपोर्सनैलिटी प्रपोशनैलिटी आपने क्या मतलब मैंने कहा देखो बेटा अगर मैं मान लू ये एक सेकेंड है मान लेते हैं और ये कोई यहां पर पांच मीटर पर सेकेंड है तो बताओ दो सेकेंड पर जो स्पीड होगी ये पांच से ज्यादा होगी या कम होगी जैसे जैसे समय बढ़ेगा क्या स्पीड बढ़ रही है या घट रही है एक से दो पर जाएंगे तो स्पीड पांच से कुछ बढ़ के छह या सात पे जाएगी दो से तीन पे जाओगे तो स्पीड या आठ से बढ़ के नौ पे जाएगी बेटा मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी पॉजिटिव स्लोप की बात कर रहे हैं पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी के बढ़ने के साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है क्या होता है मतलब पहले इसका शब्द मतलब देखो कि सर एज वन क्वांटिटी इंक्रीजेस The other variable is also increasing. जब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है ऐसी श्लोक को हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप क्या बोलते हैं बच्चों ऐसे श्लोक को हम बोलते हैं बच्चों पॉजिटिव स्लोप ऐसे स्लोप को हम क्या बोलते हैं बच्चों पॉजिटिव स्लोप ऐसे स्लोप को हम क्या बोलते हैं बच्चों पॉजिटिव स्लोप जैसे जैसे समय अंतराल बढ़ रहा है जैसे जैसे समय बढ़ेगा आप यहां से देखेंगे द वेलॉसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग तो जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ते आओगे उधर भी बढ़ते जाएंगे इसको बोलते हैं इस शब्द को लिखिएगा अपने शब्दों में फटाफट लिखो फटा पढ़, पॉजिटिव स्लोप मतलब बोथ इफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस अनादर वेरिएबल ऑल्सो इनक्रीजेस जो दूसरा वेरिएबल होता है वो भी इंक्रीज करता है इसको हम बोलते हैं सेम स्लोप क्या बोलते हैं बच्चों सेम स्लोप आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है इफ वन वेरिएबल इंक्रीज मैं इस वर्ड को थोड़ा साफ कर दू, नहीं तो गलत इफ वन वेरिएबल इसको बोलते हैं प्रपोशनल रिलेशन क्या बोलते हैं बच्चों इसको प्रपोशनल रिलेशन क्या बोलते हैं बच्चों इसको प्रपोशनल रिलेशन प्रपोशनल रिलेशन समझते रिलेशन का मतलब क्या होता है कि भैया उसकी वैल्यू प्रपोशनली बढ़ रही है जितना अच्छा, दूसरा मतलब क्या मैंने कहा, देखो, बेटा, दूसरा स्लोप होता, उसको हम बोलते हैं है, इस तरीके से मान लीजिए और टाइम ग्राफ यहां पर भी था अब ये स्लोप कैसा है बच्चे आपने कहा सर ये स्लोप हो गया थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो ये स्लोप हो गया निगेटिव आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है स्लोप निगेटिव का मतलब क्या है आपने कहा सर स्लोप निगेटिव का मतलब है कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे अब देखो टाइम टी बराबर वन पर वैल्यू कुछ यहां पर बन रही थी टी बराबर टू पर पहुंचेंगे तो वैल्यू नीचे की तरफ आ रही है कि नहीं आ रही तो एक वैल्यू डिक्रीज कर रही है दूसरे के बढ़ने के साथ तो अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल घट रहा है ऐसे सिचुएशन ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं निगेटिव स्लोप क्या बोलते हैं बच्चों निगेटिव स्लोप तो निगेटिव स्लोप का मतलब क्या हो गया इफ वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग अनदर वेरिएबल इज डिक्रीजिंग क्या हो गया इफ वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग देन दर वेरिएबल इज डिक्रीजिंग इसको बोलते हैं निगेटिव स्लोप और इसकी बात करें उसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन क्या बोलते रहे बच्चा ये प्रोपोर्शनल रिलेशन है प्रोपोर्शनल का मतलब अबे साथ साथ। वो तुमको प्यार करेगी तुम उसको प्यार करोगे उसको बोलते हैं प्रपोशनल तुमने प्यार बढ़ाया उसने प्यार बढ़ाया इसको बोलते हैं प्रपोशनल रिलेशन इसको बोलते हैं है। मतलब कि तुम प्यार पढ़ा रहे हो उधर से भी प्यार बढ़ रहा है। एकदम बढ़िया शानदार जीवन चल रहा है, इसको बोलते है, क्या बोलते है इसको? और दूसरी होती है इनवर्स स्लोप रिलेशनशिप आपने थोड़ा प्यार बढ़ाया उसने बोला ज्यादा चेप हो रहे हो रिलेशन कैसा हो गया इनवर्स रिलेशन दोस्ती का रिलेशन इनवर्स हो गया अबे ज्यादा चेप मत हो तो अब रिलेशन इन्वर्स बच गया आप प्यार बढ़ा रहे हैं वहां से प्यार कम हो रहा है दूर रहे हैं। तो ये हो गया इनवर्स प्र, रिलेशन प्रोपोर्शनल क्या हो गया फ्लो का मतलब क्या हो गया प्रोपोर्शनल रिलेशन मतलब एक तरफ आप भी प्यार बढ़ा रहे उधर से प्यार बढ़ रहे दोनों का प्यार एकदम शानदार बहुत बढ़िया तो बढ़िया रिलेशन कौन सा है जो पॉजिटिव स्लोप के साथ तो जो लोग पॉजिटिव स्लोप के साथ काम करते हैं उनके जीवन में पॉजिटिविटी रहती है और जो नेगेटिव स्लोप के साथ काम करते हैं उनके जीवन में नेगेटिविटी रहती है क्योंकि भैया एकदम बवाल मच जाता है जीवन में भाई तुम प्यार बढ़ा रहे हो तुमको प्यार एकदम कम मिलने लग जाए तुमको बुरा लगेगा ना बस समझो इसीलिए कहते हैं इनवर्स रिलेशन हो जाता है एकदम वो होता है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि तो एकदम बुद्धि विपरीत हो जाती है इस केस में भी तो जब इनवर्स रिलेशन आ जाता है तब तो बुद्धि विपरीत हो जाएगा इसलिए ध्यान से समझना कि इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन क्या बोलते हैं इनवर्स रिलेशन या इनवर्स प्रपोशनैलिटी इनवर्स रिलेशन बोल दें या इनवर्स प्रपोशनैलिटी बोल दें थोड़ा डायग्राम को थोड़ा राइटिंग को साफ कर लीजिएगा बच्चे इनवर्स रिलेशन या इनवर्स प्रपोशनैलिटी क्या बोलते हैं इनवर्स रिलेशन या इनवर्स प्रपोर्शनैलिटी और एक अब हम आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं स्लोप स्लोप दो के, slope जीरो या स्लोप इंफिनिटी पहले हम बात कर रहे हैं स्लोप जीरो की स्लोप जीरो का मतलब जैसे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बना दिया अब समय कुछ भी हो रहा है वेलोसिटी में कोई परिवर्तन ये कैसा है बेटा यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी जीरो डिग्री थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चे जीरो डिग्री थीटा वैल्यू कितनी है जीरो डिग्री तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा यहां पर अगर हम बात करें तो थीटा बराबर जीरो डिग्री का मतलब होता है कि भैया हर जगह पर वेलोसिटी कांस्टेंट है इफ वन वेरिएबल चेंजेस अनादर रिमेन्स सेम इसको बोलते हैं एक तरफा प्यार क्या है ये कौन सा रिलेशन है ये एक तरफा प्यार है आप एकदम प्यार में किए जा रहे हैं अभी एक नई मूवी नहीं आई थी वो वाली, अभी जो आई थी मैं देख रहा था एक मूवी को क्या नाम था उसका अरे इसकी थी नुसरत भरूचा की नाम गया मैं भी कोई मूवी तो आप एक तरफा प्यार जा रहे हैं और मामला एक सेट चल रहा है राइट तो ऐसे के अंदर ये है एक तरफा प्यार, प्यार एकदम बढ़ता जा रहा है सोच रहा हूं तुम डेली कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हो जीवन में एकदम उथल पुथल मचाए हुए हो लेकिन सामने से जब भी जा रहे हो तो किसी भी पार्टी में तुमको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तुमको बोला हाँ ये तो मेरा दोस्त है जस्ट फ्रेंड्स तो तुम्हारे जितना तुमने प्यार दौड़ाया होता है तुम्हारे रिएक्शन बराबर है मतलब तुम कुछ भी कर डालो लेकिन वहां से एक कांस्टेंट रिलेशन ही आ रहा है ऐसे ऐसे रिलेशनशिप को बोलते हैं कांस्टेंट रिलेशनशिप इसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं एक वेरियर बदलता जा रहा है कितना भी बदल लो एक तरफ एक जैसा तो ऐसे को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट क्या बात समझ में आ जाती है एकदम पक्की बात तो भैया पॉजिटिव स्लोप निगेटिव स्लोप और कॉन्स्टेंट स्लोप और एक होते हैं नॉट डिफाइंड एक होते हैं नॉट डिफाइंड मतलब उस केस में तो एकदम एक वैल्यू इन्फिनिटी को टच कर रही है तो अगर हम ऐसी बात कर लें तो ऐसे सिचुएशन पर एक तरफा दूसरी तरफ वाला प्यार हो जाता है उसको नॉट डिफाइंड कैटेगरी में हम डालते हैं मतलब जैसे अगर मैं बात करूं अब वेलोसिटी का कोई मौचित नहीं है किसी एक टाइम पर का है। तो ऐसी को हम डिफाइन नहीं करते बोलते हैं मतलब तो रिलेशनशिप है कितनी होगी गई नब्बे डिग्री ठीक है ना स्टीप स्लोप होता है चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं ये हो गई स्लोप की कहानी अब आपने कहा सर स्लोप तो समझ में आता है सब लोग लिख डालना है इसके एक एक पॉइंट को लिख लो लिख लिया सब कुछ प्रॉपरली लिख लिया नोटेड हाँ, हाँ लड़के सर ये कांस्टेंट वाले ना इनका प्यार जस्ट फ्रेंड से भाई बहन का भी परिवर्तित हो जाता है अगली रक्षाबंधन में राखी भी मिल जाती है लोगों को और वो एकदम बवाल मच जाता है लेकिन ठीक है तुम लोग सख्त लौंडे की तरह रहे कुछ बच्चे बता भी रहे हैं सर हम एकदम सख्त लौंडे हैं हम पिघलते नहीं हैं बहुत बढ़िया वेरी गुड तुम पिघलो मत तुम आई की तैयारी करो बेटा यही तुम्हारे लिए ऑप्शन लेकर आएंगे और आई के अंदर एकदम फिर बढ़िया मॉल सेट होता है हमारा Uh, मतलब मेरा कैंपस बी का था आई एम फ्रॉम आई आई टी तो बी में सबसे पीछे है आई और आप जब आई से आगे की तरफ आते हैं तो सबसे ज्यादा इज्जत भी खैर आईआईटी और आईएमएस वालों को मिलती है वहां पर आईएमएस वाले बंदे मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और आईआईटी पीछे वाला तो आई सबसे आगे है बीएचयू में और आईआईटी सबसे पीछे है और उसके बाद एकदम तो माहौल है बीएचयू एच के अंदर आप यूनिवर्सिटी का माहौल देखेंगे मज़ा आएगा आपको और लोग आपको इज्जत दे रहे हैं तो आप आई के अंदर जाते हैं जनरली आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको थोड़ी रिस्पेक्ट मिल जाती है तो इसलिए आप आई के अंदर जाएंगे तो आप मान लीजिए कि आप एक लेवल ऊपर चढ़ के जा रहे हैं पॉसिबिलिटीज जो है वो बढ़ जाती हैं काफी ज्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए जल्दी से आइए और एक और जल्दी से बात करिए कंपेरिजन ऑफ स्लोप की कंपेरिजन ऑफ स्लोप जल्दी से देखना और अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं फटाफट मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताएंगे थीटा वन और थीटा टू अगर मैं थीटा वन को बोल दू तीस डिग्री और थीटा टू को बोल दो सिक्सटी डिग्री इसको मैंने बोला लाइन ए और इसको बोला लाइन बी तो कौन सा स्लोप बड़ा है एम ए और एम बी में एम ए ग्रेटर देन एम बी एम ए लेस देन एम बी बेटा दोनों बराबर हैं जल्दी बोलो ऑप्शन बोलो फटाफट बोलो पहला दूसरा और तीसरा जल्दी ध्यान से समझते रहना और इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड ठीक है ना जल्दी से बोलो क्या होगा ऑप्शन -फट, है, तो है, है, है जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों एक बटे रूट थ्री और टेन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों रूट थ्री तो याद रखिएगा जैसे जैसे एज थीटा इंक्रीजेज यहां पर जो है यहां पर टेन जीरो डिग्री की वैल्यू जीरो होती है और जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है ये एम की वैल्यू भी इनक्रीज करती जाती है बढ़ती चली जाती है और जै, जैसे ही स्लोप नेगेटिव में आता है मतलब मान लीजिए 120 डिग्री पर आ गए तो यहां पर tan 120 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों वो माइनस की रूट हो जाएगी यहां पर अगर आप 150 डिग्री पर आ जाते हैं तो tan 150 डिग्री की जो वैल्यू हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों वो माइनस का एक बटे 1/√3 होती है तो पहले हमेशा दो बातों को ध्यान रखिएगा कि जितना बड़ा एंगल बन रहा होगा x एक्सिस से उतना स्लोप ज्यादा होगा जितना एंगल बड़ा बन रहा होगा x एक्सिस से उतना स्लोप ज्यादा होगा आपने कहा सर ऐसे तो फिर 150 डिग्री सबसे बड़ा है सबसे ज्यादा स्लोप 150 का होना चाहिए मैंने कहा पागल हो क्या बीच में इंफिनिटी आता है इंफिनिटी बड़ा थोड़ा कोई जाएगा एम बराबर कहां पर होता है जब एंगल नब्बे डिग्री होता है तो जब नब्बे डिग्री तक की बात की जाए बहुत ध्यान से देखना नब्बे डिग्री तक की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों तो यहां से यहां तक स्लोप पॉजिटिव में बढ़ता है क्या होता है बेटा स्लोप इनक्रीजेस इन पॉजिटिव तो पहली वैल्यू फ्रॉम जीरो थीटा फ्रॉम जीरो टू नाइनटी डिग्री एम इनक्रीजेज फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी जीरो से नब्बे डिग्री में एम जो है वो जीरो से अनंत तक बढ़ता है और जब आपका स्लोप नब्बे से एक सौ अस्सी आता है नाइनटी डिग्री एंड लेस देन वन एटी डिग्री तो ये जो स्लोप होता है एम डिक्रीजेस बेटा याद रखिएगा डिक्रीजेस वर्ड यूज कर रहा हूं लेकिन कमाल की बात क्या है डिक्रीजेस के बाद एक और लिख रहा हूं इन निगेटिव आपने कहा मतलब क्या हो गया सर इस बात का मैंने कहा बेटा देखो इसको इस तरह समझना कि हमको ये बात तो पता है कि बेटा जब यहां पर ये एंगल 120 डिग्री होगा तब यहां पर m की वैल्यू माइनस का रूट थ्री होगी और जब 150 डिग्री होगा तब m की वैल्यू माइनस का एक बटे रूट थ्री होगी और जब ये पूरा पैरल हो जाएगा तो m बराबर वापस से जीरो हो जाएगा तो आप लोग बोला सर देखो माइनस रूट थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करोगे न्यूमेरिकल वैल्यू में बताओ कौन बड़ा माइनस चार बड़ा है कि माइनस दो बड़ा है. बताओ कौन बड़ा है ऑप्शन में बताओ फटाफट ए बी माइनस फोर इज लेस देन माइनस टू और सी ऑप्शन उन सभी टैलेंटेड बच्चों के लिए जो इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं और इसमें मुझे पता है कई बच्चे मुझसे बोलेंगे सर रिपीट कर दो तो, ये समझ में नहीं आया है ना बताओ माइनस फोर इज ग्रेटर देन माइनस टू माइनस फोर इज लेस देन माइनस टू और योद्धाओं के लिए ऑप्शन सी भी दिया गया है और और कुछ बच्चों के लिए रिपीट ऑप्शन नंबर डी रिपीट तो क्वेश्चन को तो जल्दी से बताएं क्या होगा कौन बड़ा है न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से अगर हम बात करते तो हम क्या राइट की माइनस चार छोटा है, 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 है और माइनस दो बड़ा है लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हम बोलते हैं एम डिक्रीजेज इन निगेटिव क्या बोल देते हैं जो स्लोप uh, है वो निगेटिव में घट रहा है बात है माइनस रूट थ्री एक बड़ा स्लोप है बड़ा स्लोप है, लेकिन कौन बड़ा है? तो आप सर माइनस रूट थ्री बड़ा राक्षस है माइनस वन बाई रूट थ्री छोटा राक्षस निगेटिव में है। तो उसको राक्षस बोल देते हैं राइट तो राक्षस में अगर बड़े की बात की जाए तो क्या बोलेंगे माइनस का रूट थ्री तो बेटा हमेशा याद रखना कि यहां पर कंपैरिजन में मैग्नीट्यूड को थोड़ा ज्यादा तवज्जो देना क्या देना बेटा मैग्नीट्यूड को थोड़ा ज्यादा तवज्जो देना और इस बात को हमेशा दिमाग में रखना कि माइनस का जो रूट थ्री है जो वैल्यू माइनस का रूट थ्री है वो वैल्यू स्लोप वाइज मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू वो आपको भले ही कम लगे लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से ना देखा जाए अगर मैं स्लोप के मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखें तो दिस वैल्यू इज हायर एंड दिस वैल्यू इज लोअर राइट right? तो ये बात हमेशा ध्यान रखना इस छोटी सी बात क्योंकि आगे इन्हीं से स्पीड निकलेगी अब मैं अगर आपसे यही चीज ऐसे पूछता बेटा सोचना सोचना और मैं मैं क्यों बार बार इस चीज थोड़ा सा कर रहा छोटी सी बात है अगर मैं बोलता एक पार्टिकल चल रहा है माइनस चार मीटर पर सेकंड से और एक पार्टिकल चल रहा है दो मीटर ये दो पार्टिकल की वेलोसिटी दे दी गई अब आपसे पूछा जाए विच हैज हायर स्पीड किसकी स्पीड ज्यादा है कौन तेज चल रहा है आप क्या बोलोगे कि सर माइनस चार वाला तेज चल रहा है अब ऐसे बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में तो बोलते माइनस चार छोटा है लेकिन माइनस चार में जब वेक्टर की बात करोगे तो माइनस एक डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा होता है इसलिए हमेशा याद रखना जब हम मैग्नेट की चर्चा करने लग जाए तो चार बड़ा है और दो छोटा है इसलिए ये वर्ड लिखिएगा यहां पर एम डिक्रीजेस इन निगेटिव एम की वैल्यू निगेटिव में घटती है यह शब्द इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जब चार मीटर पर सेकंड और दो मीटर पर सेकंड पूछा जाएगा कौन सी स्पीड तेज है कौन तेज चल रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा चार तेज चल रहा है राइट माइनस साइन उसकी दिशा को बतला रहा है ठीक है तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू से कंपेयर नहीं करते कि वेक्टर के केस में माइनस साइन जो है वह उसकी दिशा के बारे में बता रहा होता है इसलिए उन सारी चीजों को प्रॉपरली दिमाग में रखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक एक करके एक एक चीज को दिमाग में रखोगे ठीक है ना तो यहां पर क्या लिखोगे एम डिक्रीजेस इन निगेटिव और एम इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी इन पॉजिटिव आपने कहा यहां पर जो है एम बढ़ेगा यहां पर जो है एम घटेगा मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा ये सब चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है चलो जल्दी से लिख लीजिए छोटी सी बात को ए और बी अगर मैं लिखूं तो बोलेंगे स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी इस शब्द को लिख लीजिएगा बेटा और इस बात को जरूर मेंशन करिएगा इस बात को जरूर मेंशन करिएगा कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पहले लगा हुआ माइनस साइन उस वेक्टर क्वांटिटी दिशा को डिफाइन करता है उस वेक्टर क्वांटिटी की दिशा को बताता है तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पहले लगा हुआ माइनस साइन उसकी दिशा को डिफाइन कर रहा होता है वो किसी और चीज के बारे में नहीं बता रहा होता तो अगर आपको बोला जाए वेलोसिटी माइनस का चार मीटर पर सेकेंड मतलब निगेटिव दिशा में चार मीटर पर सेकेंड से चल रहा है माइनस का दो मीटर पर सेकेंड मतलब निगेटिव दिशा में दो मीटर पर सेकेंड से चल रहा है यह इसका मतलब हो गया आपने कहा सर ठीक है डिफाइनिंग स्लोप ऑन कर्व एक किसी कर्व के ऊपर अगर मैं आपसे स्लोप पूछूं, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे और कैसे बताना होता है आइए इस बारे में जल्दी से सीखते हैं जल्दी से आ जाओ दौड़ते हुए आ जाओ भाई लोग फटाफट 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 फटा -फट। ए B, C, D, E. A, B, C, D, E. स्लोप बताना है कैसा है फाइंड द स्लोप एट पॉइंट ए बी सी डी एंड डी सभी पॉइंट पर स्लोप बताएं फटाफट जल्दी से बताएं बच्चों सॉरी सॉरी सबसे पहले ए पर बात करें स्लोप निकालने का तरीका पहला स्टेप वन स्लोप निकालने का तरीका स्टेप वन ड्रॉ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट क्या करोगे ड्रॉ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो आपने कहा सर कर दी क्या कर दी ये कर दी

और हमेशा एक चीज देख लो कि आगे बढ़ने के साथ वैल्यू ऊपर जा रही है क्या स्लोप देखने का तरीका क्या समझाया अगर आगे बढ़ने से वैल्यू ऊपर जा रही है मतलब पॉजिटिव स्लोप नहीं कुछ देखना तो क्या देखोगे आगे बढ़ रहे हैं देखो वैल्यूज बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही आपने कहा बढ़ रही आपने कहा आगे बढ़ने पर एक ए पर वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है मतलब यहां इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब मैं यहां पर बात करूंगा तो एम शुड बी पॉजिटिव बी देखो हॉरिजोंटल फ्लैट हो गया एकदम तो अगर मैं बोलूंगा ये पैरल टू द एक्स एक्सिस हो गया मतलब यहां पर एम की वैल्यू शून्य हो जाएगी यहां पर एम की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव हो जाएगी अगर ध्यान देखो इंक्रीज भी कर रहा है और अगर मैं एंगल देखू तो थीटा भी लेस देन नब्बे डिग्री दिखाई पड़ रहा है आपने कहा सर ये भी ठीक है अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर भी थीटा जो है वो जीरो डिग्री हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों यहां पर स्लोप भी जीरो हो जाएगा और ई पॉइंट पर अगर मैं बात करूंगा तो ये एंगल जो है ये थीटा ग्रेटर देन नब्बे डिग्री हो जाएगा अगर इसको ध्यान से घूरेंगे तो मुझे दिखाई पड़ेगा कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं वैल्यूज डिक्रीज हो रही है वैल्यू कम हो रही है इसका मतलब यहां पर स्लोप जो है वो निगेटिव है क्या बोलोगे स्लोप जो है वो निगेटिव है बोलो फटाफट पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव जीरो हंड्रेड परसेंट करेक्ट आया जल्दी बताओ फटाफट सब लोग कमेंट करके कितने लोगों का एकदम सारे के सारे मैच किए किसी का एक भी गलत नहीं हुआ हंड्रेड परसेंट करेक्ट ऑल करेक्ट वाले जल्दी से बोलो फटाफट वेरी गुड वेरी गुड बेटा वेरी गुड वेरी गुड बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार अब अगर मैं इसी पर आगे बातचीत करें तो एक बार आप ध्यान से देखिएगा वेरिएशन ऑफ स्लोप की बात कीजिए आप बताओ ये चार दिए गए हैं आप सबको बताना है इन चारों को देखते हुए कि स्लोप इंक्रीजिंग है स्लोप डिक्रीजिंग है आपको कमेंट करना है स्लोप इज पहला इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग देखना है जैसे आगे बढ़ रहे हैं राइट right? वैसे ही बताना है कौन सा ऑप्शन है जो आपको लग रहा है सही है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इनक्रीजिंग क्या लग रहा है और किस तरफ क्या लग रहा है क्या पर लगाएंगे तो अब अगर मैं यहां पर आपसे पूछता तो आप क्या बोलते बच्चे ध्यान से देखना बेटा। यहां पर अगर मैं स्लोप देखू तो ये स्लोप क्या देखो ऐसा दिखाई पड़ रहा है लगातार बढ़ता जा रहा है देखो थीटा की वैल्यू तेजी से इंक्रीज कर रही तो पहले जब भी आपसे स्लोप पूछा जाए बढ़ रहा है घट रहा है तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखो फिसल जाओ क्या करो यहां पर ऐसे बैठो और उस स्लोप पर फिसलो जहां जितना तेज फिसलोगे वहां स्लोप उतना ज्यादा है मैग्नीट्यूड में पहला वर्ड जहां जित जहां जितना तेज फिसलोगे स्लोप मैग्नीट्यूड में उतना ही ज्यादा होगा जो स्लोप होगा ना वो मैग्नीट्यूड में उतना ही ज्यादा होगा भाई साहब फिसल के देखो चलो बैठा जाए फिसला जाए अब अगर मैं यहां पर बैठता मैं अगर एंगल ना बनाता मैं सिर्फ इसके ऊपर बैठ जाऊं तो, तो यहां से तेजी से फिसलते हुए आएंगे और फिर यहां धीरे धीरे हमारी फिसलने की स्पीड कम हो जाएगी धीरे धीरे फिसलेंगे तो आपने कहा यहां तेज फिसलेंगे और यहां पर धीरे धीरे फिर देखा मेरी कैचिंग एकदम उस्ताद है हम कैच करने में भाई देखा इतनी तेजी से ना धोनी विकेट कीपिंग नहीं कर पाता जितनी हमने पैन उछाल के पकड़ लिया टैलेंट है भाई चलो देखो अब अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो क्या लिखेंगे पहला यहां से increasing, then decreasing. तो क्या बोलोगे स्लोप अगर मैं बात करूं तो यहां पर ज्यादा यहां कम तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहां पर स्लोप ज्यादा है तो आप बोलेंगे यहां पर स्लोप ज्यादा है यहां स्लोप कम है तो आप बोलेंगे सर स्लोप बढ़ रहा है तो पहले केस में क्या हो गया कमेंट इंक्रीजिंग आपने कहा सर बहुत बढ़िया सर यहां क्या करें यहां तो निगेटिव में हो रहा है सर यहां पर देखो पहले ये और निगेटिव और हमको ये समझ में तो सर आ रहा है कि जब यहां से फिसलेंगे तो एकदम बहुत तेजी से नीचे फिसलते हुए आएंगे और यहां पर एकदम बहुत तेज फिसलेंगे ये समझ में आ रहा है सर क्या बोले यहां पर मैंने कहा बेटा आपको सिंपल लाइन सिखाई है वही बोलनी है क्या बोलोगे स्लोप इज इंक्रीजिंग इन निगेटिव बस एक वर्ड लिखना है आपको कि निगेटिव में स्लोप बढ़ता जा रहा है तो अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा यह बात अपने को एकदम चमक जाएगी रे बच्चा तो यहां पर हमेशा याद रखो क्या लिखोगे स्लोप इज इंक्रीजिंग इन निगेटिव आपने कहा निगेटिव क्यों बोला मैंने कहा बेटा देखो ना देखो ना ये थीटा देखो क्या क्या ये थीटा तुमको बड़ा दिखाई पड़ रहा है क्या थीटा तुमको बड़ा दिखाई पड़ रहा है आपने कहा हाँ सर थीटा जो है अगर देखिए तो नब्बे से बड़ा दिखाई पड़ रहा है और मैं ये भी देख सकता हूँ कि जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ ये वैल्यू वैसे वैसे घट रही है तो अगर वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो बाई डिफॉल्ट भी मैं बोल सकता हूँ कि स्लोप निगेटिव है बच्चों यहाँ पर क्या लगता है सब बच्चे मुझे बताएंगे यहाँ पर क्या लग रहा है कि स्लोप कैसा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या थर्ड में बताएं सी ऑप्शन स्लोप क्या है जल्दी बताए सब लोग कमेंट करके बताओ बेटा सी अंकित डिक्रीजिंग बोल रहा है जल्दी से बताएं फटाफट इसका बताएं सी ऑप्शन का डिक्रीजिंग 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 वेरी गुड क्या होगा बेटा आपने कहा सर देखो अगर हम यहां पर फिसलने कोशिश करेंगे तो सबसे तेज यहीं फिसलेंगे आके तो आपने कहा सबसे ज्यादा स्लोप यहां होगा ये यह बात समझ में आती है तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बच्चे क्या होगा आप बोलेंगे यहां स्लोप कम है आपने कहा बिल्कुल है और यहां स्लोप ज्यादा है आपने कहा बिल्कुल है तो यहां पर आगे बढ़ते हो स्लोप घट रहा है और अच्छी बात क्या है स्लोप पॉजिटिव में घट रहा है तो स्लोप इज डिक्रीजिंग यहां पर सीधा सीधा वर्ड क्या लिखोगे स्लोप इज डिक्रीजिंग क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों स्लोप इज डिक्रीजिंग आपने कहा सर एकदम बढ़िया बात कर दिए हैं लास्ट क्या हो गया इसमें क्या लिखेंगे बच्चे जल्दी बताओ फटाफट बताओ फटाफट बताओ फटाफट बताओ, बताओ क्या लिखेंगे बेटा आपने कहा सर देखो यहां स्लोप ज्यादा है यहां स्लोप कम है और यहां और कम होता जा रहा है तो स्लोप जो है वो यहां पर भी डिक्रीज कर रहा है लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि यहां पर स्लोप निगेटिव है तो यहां पर क्या लिखोगे स्लोप इज Decreasing in negative। आपने कहा सर बहुत बढ़िया ये बेसिक आउटले है जल्दी सब इस पर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं और अब इन सभी ग्राफिकल पर अपने को समझना है रे बच्चा क्या हो रहा होगा एकदम अच्छी सी बात समझना है एकदम बढ़िया बढ़िया बात समझनी है एकदम शानदार शानदार सी बात समझानी है कि इन सभी जगहों पर क्या हो रहा होगा अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं सब लोग बताएंगे क्या हो रहा होगा क्वेश्चन पूछ रहा हूं <coughs> एक पार्टिकल का ग्राफ दिया है कुछ ऐसे ये दिया है एक्स टी ग्राफ क्या ग्राफ दिया बेटा ये एक्स टी ग्राफ क्या ग्राफ दिया बेटा ये एक्स टी ग्राफ क्या ग्राफ दिया, दिया ये? एक्सटी एक्स टी ग्राफ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है ये बच्चा ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर याद हो तो हम लिखते थे v बराबर डीएक्स बाईड डीएक्स बाईडी क्या होता है समझाया था इसको बोलते हैं स्लोप इसको बोलते हैं टेन थीटा आपने कहा सर इसका मतलब स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज Velocity ये क्या होता है

कमेंट ऑन स्पीड स्पीड पर कमेंट करना है सभी को पहला ऑप्शन दिया गया इंक्रीजिंग दूसरा ऑप्शन दिया गया है डिक्रीजिंग तीसरा ऑप्शन दिया गया है इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग और चौथा ऑप्शन है डिक्रीजिंग देन इनक्रीजिंग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों जल्दी कमेंट करके सब लोग फटाफट क्या ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है क्या दिखाई पड़ रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं स्लोप बढ़ता जा रहा है मतलब यहां पर स्लोप सबसे ज्यादा मतलब यहां पर वेलोसिटी ज्यादा ज्यादा का मतलब ज्यादा का मतलब क्या होता है ज्यादा का मतलब क्या होता है बड़ा 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 तो क्या हो गया वन अब आपने कहा सर बहुत बढ़िया मैंने कहा बस एक और जल्दी कमेंट करके बता दो बेटा मेरे फटाफट 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 एक और ग्राफ दे रहा हूं इसका टू फाइंड द कमेंट अपॉन वेलोसिटी ऑफ द ग्राफ टू दिस इज ग्राफ वन दिस इज ग्राफ वन नाउ दिस इज ग्राफ टू ग्राफ टू के लिए जल्दी लिखेंगे फटाफट क्या होगा आप यहां पर बोलेंगे स्पीड इज इंक्रीजिंग ग्राफ टू में क्या बोलेंगे बच्चों वॉट डू यू से अबाउट द ग्राफ टू ग्राफ टू में क्या बोलोगे ग्राफ टू में ये ग्राफ येलो से बना हुआ जो ग्राफ है इस पर क्या बोलेंगे बच्चों ग्राफ टू में कई बच्चों ने गलत किया है अरे मेरे शेरों तुम थोड़े में फैल क्यों गए भाई अरे यार हिरण है हिरण का शिकार करने के लिए कंसंट्रेशन जरूरी है तुम्हारा कंसंट्रेशन उड़ जाता है कैसा होगा अगर ऊपर से नीचे फिसलते हुए आओगे तो क्या यहां सबसे तेज फिसलोगे कि नहीं फिसलोगे तो स्लोप का मैग्नीट्यूड कितने ज्यादा इतने ज्यादा इधर तो स्लोप सबसे कम होगा ना बच्चा यहां पर स्लोप तो अगर मैं बोलूं तो यहां ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा तो आप बोलेंगे सर यहां प्रारंभिक वेलोसिटी शून्य होगी और स्लोप निगेटिव में बढ़ता जा रहा होगा तो आप बोलेंगे स्लोप इज इंक्रीजिंग इन निगेटिव तो स्लोप निगेटिव में इंक्रीज कर रहा है तो भैया स्पीड तो मैग्नीट्यूड होता है तो बोलेंगे स्पीड इज इंक्रीजिंग माय फ्रेंड इस केस में भी स्पीड बढ़ रही है इस केस में भी स्पीड बढ़ रही है अंतर किस बात का है इसमें निगेटिव में बढ़ रहा है इसमें पॉजिटिव में बढ़ रहा है लेकिन बढ़ दोनों में ही रहा है इस बात का ध्यान रखना है आपने कहा सर एकदम रख लेंगे मैंने कहा बहुत बढ़िया अब नेक्स्ट पॉइंट पर आओ जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखते चलो बेटा हर एक पॉइंट को लिखना है हर एक पॉइंट को लिखना है नोटबुक में प्रॉपर नोट करना है ईच एंड एवरी पॉइंट मस्ट बी रिटर्न चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर सॉरी जल्दी बता हैं फटाफट ऑप्शन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज शोन द इंस्टेंट इन पार्टिकल इज पॉजिटिव एट द पॉइंट किस पॉइंट पर वेलोसिटी पॉजिटिव है जल्दी बोलो सब लोग बोलो फटाफट फड़ बोलो जल्दी 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 रिकमेंट करो स्लोप तुरंत ड्रॉ करो स्लोप सी पर स्लोप ऐसा डी पर ऐसा ई पर ऐसा एफ पर ऐसा पॉजिटिव कहां पर देखो यहां इंक्रीजिंग फंक्शन तो यहां इंक्रीज कर रहा है यहां डिक्रीजिंग फंक्शन तो यहां डिक्रीज कर रहा है तुरंत एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल देख लिया करो फटाफट ये छोटा है तो सी पर पॉजिटिव होगा थ्री ऑप्शन अरे हा डी पर जीरो पर भी जीरो आपने कहा सर बहुत बढ़िया मैंने कहा बहुत बढ़िया अब तो बहुत बढ़िया सी बात होगी अब आते हैं गेम विद ग्राफ अब हमको समझना बेटा ये तो हमने स्लोप की कहानी समझी क्या समझा बेटा हमने स्लोप की कहानी समझी क्या समझा हमने स्लोप की कहानी समझी अब जल्दी से इस स्लोप पर एक छोटा सा पॉइंट और आता है जिसको हम बोलते हैं एक्सिलरेशन तो ए बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों डीवी बाईडी क्या होता है बेटा डीवी बाईडी टी मतलब एक्सीलरेशन इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सिलोरेशन जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है ठीक है ना मैंने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहां बनाने जा रहा हूं सब बच्चे बड़ा ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा जरा कमेंट वेंट करके बताइएगा कि क्या सिचुएशन बैठ रही है है ना <coughs> अरे सॉरी एक सेकेंड बच्चो मैं थोड़ा सा नेगेटिव में लेना है इसको ठीक है आपको बताना है इन विच पैच मोशन इज एक्सिलोरेटिंग इन विच पैच मोशन इज डी एक्स सॉरी इसको सी इसको डी और इसको ई e, और इसको एफ आपको बताना है कहां पर मोशन एक्सिलोरेटिंग है और कहा मोशन डी एक्सिलोरेटिंग है इन विच रीजन मोशन इज एक्सीलटिंग अब देखते हैं कितने तो लोग जवाब दे पाते हैं ये हो गया धांसू सा क्वेश्चन और एक क्वेश्चन में कई सारी बातें मैंने पूछ ली हैं अब देखते हैं कितने तो लोग सही जवाब दे पाएंगे रीजन बताना ए से बी बी से सी ऑप्शन लिख देता हूं ए टू बी बी टू सी सी टू डी डी टू ई और करेक्ट e है आ, ऐसा नहीं कि एक ही होगा मल्टीपल करेक्ट के हिसाब से लिखिए बताएं option 1, 2, 3 करके देना है क्योंकि वो A, B, C दी यहां पर हो गया तो तो आप गलत बता दोगे तो दो, और पांच व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन जल्दी से बताएं अच्छा एक्सीटिंग का मतलब क्या होता है Velocity और acceleration, दोनों की दिशा सेम होनी चाहिए आपने कहा सर देखो ए से सी तक पहले ध्यान से देखना ए से सी यहां पर वेलोसिटी कैसी है पॉजिटिव यहां पर गए तो वेलोसिटी कैसी है निगेटिव देखो नीचे की तरफ आ गए फिर यहां पर गए तो यहां पर भी वेलोसिटी कैसी हो गई पॉजिटिव तो पहले रीजन ए बी सी इस पूरे रीजन में यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव रही है ऊपर रही है सी डी ई वेलोसिटी निगेटिव रही नीचे रही है और ई e, एफ यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव रही ऊपर की तरफ रही है. आपने कहा सर ठीक है मैंने कहा बेटा एक्सेलरेशन में कमेंट करके बताओ आपने कहा सर देखो एक्सेलरेशन अगर देखिए ध्यान से तो यहां पर एक्सेलरेशन कुछ ऐसा है मतलब अगर मैं यहां पर स्लोप निकालूंगा तो थीटा लेस देन नब्बे डिग्री आएगा तो यहां पर तो स्लोप पॉजिटिव है आपने कहा यहां पर M बराबर पॉजिटिव अगर मैं बी से सी के बीच में देखू कहीं पर भी तो क्या देखो हर जगह पर थीटा ग्रेटर देन डिग्री आएगा और आपको दिखाई पड़ रहा है हर जगह वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है मतलब बी से सी में एक्सेलरेशन निगेटिव आपने कहा सर बहुत बढ़िया अच्छा बेटा सी से डी में बताओ बहुत बढ़िया सी बात है क्या सी से डी में भी तो, तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया निगेटिव हो गया आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन है वो कैसा हो गया नेगेटिव हो गया आपने कहा बहुत बढ़िया यहां पर एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया इसके बाद यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा हुआ आपने एक्सेलरेशन आपने कहार देखो यहां पर थीटा लेस देन नब्बे डिग्री हो गया तो ये इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ फंक्शन है यहां पर एक्सिलरेशन पॉजिटिव होगा यहां पर भी अगर आप देखेंगे बेटा टेंजेंट डाल के तो यहां पर भी थीटा लेस देन नब्बे डिग्री होगा तो यहां पर भी एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा पहले मेरे प्यारे बच्चों मेरी इस बात को ध्यान से समझेंगे सभी लोग एक्सीलरेशन पॉजिटिव तो कौन कौन से रीजन हो गए ए से बी एक्सिलरेशन पॉजिटिव वेलोसिटी भी पॉजिटिव मैं एक एक करके सारी चीजें यहां लिखता हूं ठीक है ना अगर मैं ए से बी रीजन को देखता तो यहां पर वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव है आपने कहा सर ठीक है बी से सी की बात करता तो यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन एक्सीलरेशन निगेटिव है आपने कहा सर बहुत बढ़िया सी से डी की बात करता वेलोसिटी भी निगेटिव है और एक्सीलरेशन भी निगेटिव है डी से ई e की बात करता मेरे बच्चे तो मैं बोलता वेलोसिटी तो निगेटिव है लेकिन एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो गया और ई e से एफ की बात करता मेरे प्यारे बच्चों तो क्या मैं बोल सकता था कि यहां वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो गई है और एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव हो गया है कितने लोगों को मेरी बात चमकी अब मुझे बताएं कि कौन कौन से ऑप्शन सही है यहां पर भी दोनों दोनों पॉजिटिव मतलब दोनों एक्सिलेटिंग हो गए तो अब अगर मैं बात करूंगा ये एक्सेलरेटिंग क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन है यहां पर बात करेंगे सी और डी ये भी एक्सेलरेटिंग क्योंकि दोनों ही निगेटिव है तो सी से डी का रीजन भी निगेटिव और यहां पर अगर मैं देखूंगा तो ये भी पॉजिटिव तो आप बोलेंगे एक दो तीन कौन कौन से ए ऑप्शन थर्ड ऑप्शन और फिफ्थ ऑप्शन ये कैसे हैं इसको बोलेंगे एक्सीटिंग मोशन वन थ्री एंड फाइव इज एक्सीटिंग और बी सी और डी ये दोनों कैसे हो गए बेटा ये हो जाएंगे डी एक्सीलरेटिंग क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के विपरीत दिशा में है अपोजिट डायरेक्शन में है हर बच्चे को क्या मेरा ये पॉइंट एकदम क्लियर होता है क्रिस्टल क्लियर होता है मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और ये अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है इससे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आएंगी ये पॉइंट अच्छे लेवल का पॉइंट है ये चीजों को समझना भी बहुत जरूरी है किसी बच्चे के मन में, में कोई शंका आशंका किसी तरीके की हो तो बताओ चमका बच्चों वेरी गुड वेरी गुड अब ऐसा तो नहीं कोई आदमी बैठा हुआ अभी तक एकदम रिलेशनशिप के मौज ले रहा है अभी तक भाई साहब आगे आ गए आप लोग पढ़ाई लिखाई में आगे आ जाओ देखो पढ़ाई लिखाई चलती रहनी चाहिए बहुत जरूरी काम है पढ़ाई लिखाई का और जितना बेहतर आप पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे उतना बेहतर काम चलता रहेगा ठीक है ना अब आगे आ जाओ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैंडर्ड ग्राफ बेटा एज पर अवर कैनमेटिक्स हमारे कैनमेटिक्स के हिसाब से हमें अभी दो मेजर ग्राफ की आवश्यकता होती है बाकी तो रैंडम है स्टैंडर्ड ग्राफ पे बात की जाए हमारे पास दो मेजर ग्राफ होते हैं पहला होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं पैराबोला ठीक है दोनों ही की बात करना स्टार्ट करते हैं पहले स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात करूं तो जनरल इक्वेशन होती है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी इसको बोलते हैं व्हेन इक्वेशन इज लीनियर क्या बोलते हैं बेटा इसको व्हेन इक्वेशन इज लीनियर इन वेरिएबल अब आपने कहा सर लीनियर का मतलब क्या होता है दोनों वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है वो वन होती है इसको इस रिलेशन को हम बोलते हैं लीनियर रिलेशन क्या बोलते हैं बच्चे लीनियर रिलेशन क्या बोलते हैं सर अच्छा कहां कहां पर जैसे मैंने कहा देखो v बराबर u प्लस ए टी तो अगर मैं ये देखूं वी एंड ए सॉरी वी एंड टी का रिलेशन है कैसा रिलेशन है बेटा ये लीनियर रिलेशन है आपने कहा सर बहुत अच्छा v बराबर रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन v एंड टाइम u और a को हम कॉन्स्टेंट मान रहे क्योंकि भैया ये इक्वेशन ऑफ मोशन होती तभी जब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो और प्रारंभिक स्पीड तो कॉन्स्टेंट रहती है अब आपने कहा सर ये लीनियर रिलेशन है मैंने कहा बहुत बढ़िया ऐसे बहुत सारे रिलेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं जो जो लीनियर हो जैसे आपसे बोल दिया जाए v बराबर फोर एक्स अब ये कैसा रिलेशन है आपने बोला ये भी एक लीनियर रिलेशन है v बराबर टू टी प्लस वन ये भी कैसा रिलेशन है आपने बोला ये भी लीनियर रिलेशन है तो जितने रिलेशन एक दूसरे के साथ लीनियर होते हैं मतलब मैक्सिमम पावर वन होती है ऐसे सारे रिलेशन को हम बोलते हैं लीनियर रिलेशन क्या बोलते हैं लीनियर रिलेशन क्या बोलते हैं बच्चों लीनियर रिलेशन अभी पैराबोला की बात इसके बाद करेंगे पहले इस बात को समझाएंगे पूरा ठीक है आपने कहा सर अच्छी बात है तो यहां पर एम क्या हो गया पहले एक बात स्टैंडर्ड पैरामीटर्स और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने थोड़ा स्ट्रेट लाइन पढ़ा है कितने लोगों को स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी नहीं आता मतलब जीरो आता है जरा फटा फटाफट मुझे बताओ एक बार रिपीट करके कि जितने लोगों को बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन नहीं आता जीरो वो सिर्फ वही लोग कमेंट करेंगे नो का नो स्ट्रेट लाइन नो नो कितने लोगों को बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन नहीं आता जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट करके बेटा इतना बेसिक आता है क्या इक्वेशन वाला आता है मैक्सिमम लोगों को आता है चलो ठीक है बेटा वेरी गुड चलो आ जाओ मैं मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं ठीक है ना स्टैंडर्ड इस पैरामीटर इसको हम बोलते हैं बेटा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी तो यहां पर जो जो एक्स मतलब वाई और एक्स क्या हो गए बेटा ये वेरिएबल वेरिएबल वन ये हो गया वेरिएबल टू वेरिएबल 1 को हम y एक्सिस पर ले रहे हैं वेरिएबल 2 को हम x एक्सिस पर लेते हैं ठीक है ये m क्या हो गया द कोफिशिएंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x किसका x का जो कोफिशिएंट होता है इसको बोला जाता है बच्चों स्लोप क्या बोलते हैं बेटा इसको स्लोप बोला जाता है और ये जो c होता है इसको बोला जाता है बेटा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसको इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या बोलते हैं बच्चों इसको इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस आपने कहा सर इंटरसेप्ट का मतलब मैंने कहा बेटा ये बताती है लोकेशन ये ऐसे लिख दें लोकेशन के साथ बता वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स बराबर जीरो मतलब जब x बराबर जीरो होगा तो y की वैल्यू क्या होगी इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट uh, मतलब इंटरसेप्ट का मतलब कहां पर ये लाइन वाई एक्सिस को कट करती है सामान्यता है सो दिस डिस्टेंस इज सिंपली डिफाइंड एस सी एंड दिस थीटा तो यहां पर एम की वैल्यू जो होती है हम बोलते हैं टेन थीटा जल्दी से बताना इफ लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करे मेरे बच्चे कहां से पास करे बेटा ओरिजिन से पास करे यहां पर वैल्यू ऑफ सी क्या होगी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो क्या होगी वैल्यू बेटा ध्यान से देखो तो क्या लिखोगे बेटा यहां पर अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो क्या हम यहां पर डायरेक्टली बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ सी विल बी जीरो ध्यान से देखो बेटा क्या बोल सकते हो बच्चे दिखाई पड़ता है तो जो भी लाइन इससे पास करेगी ओरिजिन से उसके लिए सी की वैल्यू शून्य हो जाती है और ये जो थीटा एंगल है ये इसके स्लोप को दर्शा देता है आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है बिल्कुल परफेक्ट बात है तो मैंने कहा देखो बेटा स्लोप बेसिकली दो तरीके के तो इक्वेशन भी दो तरीके की बन सकती है एक बार होगा पॉजिटिव स्लोप और एक बार होगा निगेटिव स्लोप तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन डिफाइन द रिलेशन बेस्ड ऑन दैट हम बता सकते हैं कि कैसी कैसी इक्वेशन पॉसिबल है तो आइए जल्दी इसे समझते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को विद प्रॉपर एप्लीकेशन इतना लिख लीजिए बेटा जल्दी से फिर एप्लीकेशन के साथ इसको समझाते हैं क्वेश्चन पार्टिकल इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलॉसिटी अ पार्टिकल इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलॉसिटी बराबर दस मीटर पर सेकेंड ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा जल्दी बताओ सब लोग बताओ फटाफट बताओ क्या लिखेंगे अगर मैं यहां पर बोलू क्या बोला गया वेलोसिटी कैसी है बच्चा कांस्टेंट और वी और टी वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब समय के साथ चेंज नहीं हो रही तुम समय कितना भी बढ़ा दो वही चल रहा मामला अभी अभी भी भी तुम भाई बने हुए हो अभी भी भी आर जस्ट फ्रेंड्स नो रिलेशनशिप स्टेटस इज तुम अपनी तरफ से कोशिश किए जा रहे हो ऐसा कांस्टेंट मतलब ये हो गया वेलोसिटी का ग्राफ कांस्टेंट ग्राफ बेटा इसको हम बोलते हैं यहां पर अगर मैं m की वैल्यू बोलूंगा तो जीरो आ जाती कितनी आ जाती बेटा m की वैल्यू जीरो

टाइम मतलब समय के साथ नहीं बदल रहा मतलब समय के साथ कांस्टेंट है तो ऐसे का स्लोप कितना हो गया बेटा जीरो तो इस लाइन की इक्वेशन अगर कोई पूछेगा तो क्या लिखेंगे इज इक्वेशन ऑफ लाइन यहां पर स्लोप कितना हो गया जीरो आपने कहा सर बहुत बढ़िया अब अगर मैं बात करूं ड्रॉ इसी का इसी में ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम टाइमग्राफ बनाओ क्या होगा कैसे बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बेटा कैसे बनाएंगे आपने कहा सर देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बराबर आपने कहा सर देखो यहां पर तो वेलोसिटी कांस्टेंट है v into t तो एक्सेलरेशन कितना है आपने कहा एक्सेलरेशन तो जीरो है तो डिस्टेंस दिस, दिस, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा वेलोसिटी इंटू टाइम क्या इस रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो ग्राफ कैसा बनेगा मेरे प्यारे बच्चों क्या ये रिलेशन आपको दिखाई पड़ रहा है जैसे ये y हो गया और ये m इन टू एक्स हो गया तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को y एक्स पर और टाइम को यहां पर रखू तो बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा होगा आपने कहा वेलोसिटी कैसी है 10 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव है कैसी है बेटा 10 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव है तो आप क्या बोलेंगे स्लोप कैसा बनेगा आपने कहा सर पॉजिटिव स्लोप बनेगा और यहां पर थीटा तो आप बोलेंगे सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू टेन मीटर पर सेकंड तो बाद में आएगा और आपने बोला सर ये ये लाइन है कोई इंटरसेप्ट नहीं था तो कुछ भी नहीं होगा तो सिर्फ हमको क्या देखना है कोफिशियंट वो स्लोप को समझा रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट अगर हम वहां से डायरेक्टली देख सकते हैं तो वी कैन डायरेक्टली डिफाइन दिस पर्टिकुलर रिलेशन एकदम पक्की बात बहुत बढ़िया बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं जल्दी से देखेंगे पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी इज़ इक्वल टू माइनस का टेन मीटर पर सेकेंड अगर वेलोसिटी माइनस का टेन मीटर पर सेकेंड होती तो ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जल्दी से बताओ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या बनता जल्दी से बताएं ऑप्शन लिख दे रहा हूं यहां पर फटाफट ऑप्शन जल्दी बोलेंगे ए बी सी और ये आ गया डी विच इज द करेक्ट ग्राफ ए ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ए बी सी डी में जल्दी से बताएं वेलोसिटी दे दी गई है माइनस माइनस का टेन मीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगा बच्चे अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड शेरों बहुत शानदार क्या होगा सही जवाब कुछ बच्चों ने गलत कर दिया कुछ बच्चों ने सी लिखा है एब्सोल्युटली गलत एब्सोल्युटली गलत बेटा डिस्प्लेसमेंट बराबर एक्सेलरेशन जीरो है कांस्टेंट स्पीड है तो माइनस का टेन इंटू टी बेटा कोई भी t बराबर जीरो पर डिस्प्लेसमेंट शून्य होगा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो ग्राफ स्टार्ट यहीं से करेगा और निगेटिव पे जाएगा मतलब होगा तो नीचे की तरफ जाएगा बेटा मोस्ट ऑप्शन ऑप्शन विल बी ए और मैं यहां पर थीटा की बात करेंगे तो वह निगेटिव स्लोप को दर्शा रहा होगा ये बात आप सभी बच्चों को दिमाग में रखनी है आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है मैंने कहा बहुत बढ़िया अब ये होगा स्ट्रेट लाइन के ग्राफ ये कैसे ग्राफ होंगे बच्चे इनको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होंगे वो या तो ऊपर अपलिफ्टेड होंगे या नीचे की तरफ होंगे आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है अब इसी तरीके से मैंने एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग विद स्पीड विद वेलॉसिटी विद वेलोसिटी फाइव मीटर पर सेकेंड एंड एक्सिलरेशन टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फाइंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ जल्दी बताएं वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा रिलेशन पे सबसे पहले रिलेशन ड्रॉ करो व्हाट इज द रिलेशन स्टेप वन रिलेशन तुरंत लिखो क्या रिलेशन होगा वेलोसिटी और टाइम के साथ क्या रिलेशन होगा एक्सेलेशन कांस्टेंट दिया गया है प्रारंभिक वेलोसिटी पांच मीटर पर सेकंड गिवन है प्रारंभिक वेलोसिटी फाइव मीटर पर सेकंड गिवन है क्या लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं वी बराबर यू प्लस एटी होगा बच्चों और वी की वैल्यू हो गई पांच प्लस टू टी अब अगर ध्यान से घूरो तो अगर मैंने वेलोसिटी को वाई एक्स पर और टाइम को एक्स एक्स पर लिखा है तो टाइम एक्स का क्या क्या होता है? क्या यही होता है है यही स्लोप बच्चों तो हम क्या बोलेंगे आपने बोला सर देखो जैसे मैं यहां लिखता हूं टी बराबर जीरो तो v की वैल्यू आएगी पांच मतलब t जब शून्य होगा तो ग्राफ में v की वैल्यू पांच होनी चाहिए मतलब ग्राफ यहां से शुरू होगा आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है कैसा शुरू होगा पॉजिटिव या नेगेटिव आपने कहा सर एक्सिलेशन पॉजिटिव है मतलब स्लोप भी पॉजिटिव होगा इसका मतलब ऊपर की तरफ हो जाएगा और मैं बोल सकता हूं यहां पर थीटा अगर है तो टेन थीटा शुड बी इक्वल टू टू टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों टू के बराबर हो जाएगी एंड वी कैन वेरी सिंपली से जल्दी से ध्यान से देखना बेटा इंटरसेप्ट हो गया फाइव का और ये हो गया पांच और इसका स्नॉप हो गया दो एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ वी बराबर यू प्लस ए टी आपने कहा सर एकदम पक्का मैंने कहा बहुत बढ़िया अब जल्दी से बता दो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते चले पार्टिकल मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी मीटर सेकेंड एंड एंड एक्सीलरेशन माइनस का फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन माइनस का फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्रॉ टी कर्व जल्दी बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा ऑप्शन यहां लिख रहा हूं सब लोग बताएंगे ऑप्शन लिख रहा हूं यहां पर कैसे होगा टाइम ग्राफ ये आपका वेलोसिटी टाइम कर्व है जल्दी से बताइए कौन सा सही ऑप्शन है व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी 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 बोलते रहेंगे फटाफट ए बी सी एंड डी व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन माय फ्रेंड व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन माय फ्रेंड वेरी गुड बहुत शानदार बेटा बहुत शानदार मजा आ गया मतलब चीजें एकदम उठ रही हैं बहुत बढ़िया है बेटा प्रारंभिक स्पीड कितनी दे दी गई दस क्या ये पॉजिटिव है आपने कहा बिल्कुल पॉजिटिव है तो सबसे पहले देखा करो t बराबर जीरो पर स्पीड क्या लिखी है आपने कहा पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस आपने कहा ये नहीं हो सकता यहां निगेटिव ये यह भी नहीं हो सकता t बराबर जीरो पर स्पीड पॉजिटिव थी मतलब इंटरसेप्ट पॉजिटिव का होना चाहिए था मतलब अगर मैं इक्वेशन लिखता तो v बराबर टेन माइनस फाइव टी लिखता तो मैं बोलता देखो भाई t का कोफिशियंट ये एम जो है वो माइनस पांच है लेकिन सी जो है वो प्लस का टेन है मेरे बच्चों तो प्लस का होना चाहिए स्लोप निगेटिव होना चाहिए तो आपने कहा स्लोप है करेक्ट ऑप्शन इज सी माई फ्रेंड करेक्ट ऑप्शन कोई दिक्कत वाली बात कोई शंका वाली बात कोई आशंका वाली बात एकदम पक्का एकदम सच्चा आपने कहा सर एकदम पक्का अब मैंने कहा नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ और अब नेक्स्ट ग्राफ को सीखने जा रहे हैं इसको इसको बोलते बोलते हैं हैं पैराबोलिक पैराबोलिक ग्राफ क्या रे बच्चा इसको लिखो कईयों धका सारा सारा पेल पड़ी हुई होगी मतलब मैक्सिमम बच्चों की अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को ठीक ठाक तरीके से आती होगी ऐसा आप लोगों को लगता है नहीं आती है कोई बात नहीं पहला इफ रिलेशन इज क्वाड्रेटिक रिलेशन इज क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक रिलेशन क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर किसी एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर किसी एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर मेरे प्यारे बच्चों कितनी हो जाए दो हो जाए और एक वन रहे तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक आपने का सर बहुत बढ़िया मैक्सिमम पावर ऑफ वन वेरिएबल कितनी हो गई आपने कहा ये हो गई दो और ये वन आपने कहा सर बहुत बढ़िया कौन कौन से रिलेशन ऐसे हम लोगों ने देखे हैं। आपने कहा सर ऐसा रिलेशन जो हम लोग देख चुके हैं उसमें होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का हाफ ए टी ये दो तो कांस्टेंट हो गए बच्चा तो आप बोल सकते हैं एस और टी का कैसा रिलेशन है आप बोलेंगे सर यहां एस और टी का दिस इज क्वाड्रेटिक रिलेशन दिस इज क्वाड्रेटिक रिलेशन इसको हम बोलते हैं दिस इज क्वाड्रेटिक रिलेशन इसी तरीके से अगर आप देखते तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस तो अगर हम u और ए को इन दोनों को कांस्टेंट की तरह माने तो ये रिलेशन भी s और v का ये रिलेशन भी एक क्वाड्रेटिक रिलेशन होता है बेटा दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक रिलेशन अब आपने कहा सर क्वाड्रेटिक रिलेशन बनता कैसे क्वाड्रेटिक रिलेशन की खास बात क्या होती है कोफिशियंट ऑफ स्क्वायर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोफिशियंट ऑफ स्क्वायर वेरिएबल अगर आप स्क्वायर वेरिएबल के कोफिशियंट को ध्यान से देखिए जैसे फॉर दिस केस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात कर रहे हैं तो एक्स स्क्ट क्या हो गया ए की वैल्यू बेटा पॉजिटिव हो सकती है और ए की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव हो सकती है ही तो हो सकती है भाई अब ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव मैंने जैसे बताया था आपको अगर देखो एक्सिलरेशन पॉजिटिव मतलब आपको पॉजिटिव दिशा में फोर्स लग रहा है तो आप सुखी रहोगे खुश रहोगे अगर कोई आपको पीछे खींचेगा तो आपको दुख होगा ना तो आपको बुरा लगेगा तो आपने कहा सर अगर एक्सिलरेशन पॉजिटिव है ऐसे केस में जो कर बनता है वो स्माइलिंग करव होता है कैसा होता है स्माइलिंग करव दिस इज स्माइलिंग पैराबोला राइट इसको बोलते हैं स्माइलिंग पैराबोला खुश आदमी खुश इसको लोग खींच रहे हैं बड़ा कर रहे हैं पॉजिटिव दिशा में फोर्स लगा रहे हैं इसको बोलते हैं स्माइलिंग पैराबोला या इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करोगे तो इसको बोला जाता है अपवर्ड पैराबोला क्या बोला जाता है बेटा अपवर्ड पैराबोला इसी तरीके से अगर एक्सिलोरेशन निगेटिव होता है बच्चों तो यही पैराबोला नीचे की तरफ आ जाता है इसको बोलते हैं डाउनवर्ड फेसिंग राइट ये हो गया एकदम दुखी पैराबोला ये कैसा है ये है दुखी पैराबोला अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो ये होता है दुखी पैराबोला और ये होता है सुखी पैराबोला हैप्पी स्माइलिंग मुस्कुराता हुआ पैराबोला अब डिपेंड किस पर है ए के ऊपर सामान्यतः जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में देखोगे तो ए क्या है टी स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है बच्चा ए तो बेटा पहली चीज हमेशा ध्यान रखना अगर एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट है अगर एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन क्वाड्रेटिक होता है velocity time का relation linear होता है। याद रखिएगा अगर relation quadratic में है displacement time का, तो वो एक कॉन्स्टेंट एक्सिलोरेशन की बात कर रहे हैं और अगर आपको बहुत सिंपल तरीके से बच्चे पूछा जाए कि वेलोसिटी टाइम का रिलेशन अगर लीनियर हो रहा है तो कांस्टेंट एक्सीन की बातचीत हो रही है तो हमें दिमाग में सिर्फ यही दो बैठाने कि पैराबोला या तो ऊपर होगा या नीचे होगा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर नहीं जा रहा हूं मैं रूट्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं ये बात नहीं करने जा रहा हूं कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा मेरे लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि हाँ एक ऊपर होगा और एक नीचे की तरफ बनेगा कैसे बनाना है वो तरीका मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं बेटा मेरे सब लोग ध्यान से देखना कि पैराबोला हम कैसे ड्रॉ करेंगे विदाउट एनी क्वाड्रेटिक रिलेशंस और विदाउट एनी रूट डेफिनेशंस मैं उस पर नहीं जा रहा हूं वो आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है आप वहां पर कंप्लीट करोगे हमारे लिए क्या जरूरी है आइए उसको सीखते हैं फटाफट आ जाओ मैंने कहा पहले ध्यान से समझना पहले इंपॉर्टेंट बातें लिख देता हूं फॉर <coughs> कांस्टेंट एक्सीलरेशन अगर एक्सीलेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम लीनियर रिलेशन स्ट्रेट लाइन कर्व और अगर मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात करूं तो मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक रिलेशन और इसको बोलते हैं पैराबोलिक कर्व क्या बोलते रे बच्चा पैराबोलिक कर्व क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पैराबोलिक कर्व अरे भाई सर कह बस बहुत देर पढ़ लिया अब हो गया आतंक सर बहुत देर से आज लगातार पढ़ा ही हूं ना आज की बकवास तो ही नहीं मारी है एक बच क्यों और हाँ भाई हां टाइम ओवर अभी हुआ नहीं लेकिन अब हम छोटी सी बात करते हैं ठीक है अब एक छोटा सा क्वेश्चन करके टाइम ओवर करेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे फटाफट अ पार्टिकल स्टार्ट इसी पर बेस्ड कल की क्विज रहेगी इसी लास्ट क्वेश्चन अब ढंग से पढ़ना है स्टार्ट मूविंग विद एक्सीलरेशन एज इक्व टू टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ड्रॉ इट्स वेलोसिटी टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व क्या क्या ड्रॉ करना है वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व को ड्रॉ करना है आपने कहा सर बहुत बढ़िया ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से देखेंगे फटाफट कैसे ड्रॉ करेंगे आइए देखिए अब ध्यान से देखना है। देखेंगे। सबसे पहले आपको पता है v का रिलेशन हो जाएगा v बराबर यू टी टेन टी प्लस हाफ ऑफ टू टी का, का स्क्वायर मतलब ये हमको क्लियर हो गया कि एक क्वाड्रेटिक रिलेशन है और एक रिलेशन है आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है पहला क्या बनेगा आपने कहा सर ये तो बहुत बार ड्रॉ कर चुके टी बराबर शून्य पर पहले देखा जैसे मैंने टी बराबर जीरो डाला वी बराबर दस आ गया तो अपने को पहला सबसे पहले कंडीशन ग्राफ शुरू कहां से हो रहा है हमेशा स्टेप वन हमेशा इसको लिखो स्टेप वन ग्राफ शुरू कहां से हो रहा है पहला स्टेप क्या हो गया ग्राफ शुरू कहां से हो रहा है इस पर आओ तो आपने कहा सर ग्राफ जो है वो शुरू हो रहा है दसवें से स्लोप कैसा आपने कहा पॉजिटिव तो ग्राफ कुछ ऐसा बन गया आपने कहा सर ठीक है ये तो परफेक्ट है टेन थीटा बराबर टू हो गया मैंने कहा वेरी गुड अब नेक्स्ट पर आ जाओ जल्दी बताओ इसका कैसे बनाएंगे भाई साहब अब आपने कहा पहला स्टार्टिंग लोकेशन आपने तुरंत जैसे स्टार्टिंग लोकेशन डाली आपने डाला टी बराबर जीरो यहां जीरो यहां जीरो एकदम जीरो आपने कहा टी बराबर जीरो पर डिस्प्लेसमेंट शून्य है इसका मतलब एस बराबर जीरो होगा पहली कंडीशन दिमाग में क्लियर क्या कि ग्राफ जो है वो जीरो से स्टार्ट होगा आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है दूसरा कंडीशन देखा आपने टी का कोफिशियंट मतलब एक्सिलरेशन एक्सीन एक्सिलरेशन कैसा आपने कहा, मतलब कहा स्माइलिंग पैरा बोला कैसा स्माइलिंग मतलब खिलखिलाता हुआ हंसता हुआ पैरा बोला अब आपने कहा यहां से शुरू होगा पैरा बोला एक तो ऐसा बन सकता है क्योंकि यहां से शुरू हो रहा है तो ऐसा एक पॉसिबल है कुछ ऐसा बने ये भी एक पॉसिबिलिटी है और एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि भैया अल्टीमेटली ये सब उसी बड़े पैराबोला के छोटे छोटे पार्ट है अरे बोलो हाँ या ना आपने कहा सर हाँ, ये उसी पैराबोला का छोटा छोटा पार्ट है अगर मैं इसको देखूंगा तो ये यहां पूरा हो जाएगा इसका ऐसे घुमा के ऐसे चला जाएगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा पूरा तो आपने बोला सर क्योंकि हमें सिर्फ टी बराबर पॉजिटिव में ड्रॉ करना है तो मैंने इन तीन ग्राफ को जो उसके छोटे छोटे पार्ट पॉसिबल है वो ड्रॉ कर दिए आपने कहा सर पहले देखो क्या ये तीनों अपवर्ड पैराबोला के पार्ट हैं तो आपने कहा क्या कह सर तीन ही पॉसिबल हैं मैंने कहा बेटा अपन तो जनरल बात करेंगे तो तीन ही पॉसिबल है आपने कहा कैसे कैसे डिसाइड करें मैंने कहा बेटा बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है इन तीनों में अंतर किस बात का है पहला ये देखो दूसरा ये देखो तीसरा ये देखो आपको पता है कि स्टार्टिंग प्रारंभिक स्लोप u बराबर कैसा है आपने कहा सर देखो हमको यहां पर एक चीज पता है कि इनिशियल वेलोसिटी यू बराबर कितनी है दस मीटर पर सेकेंड मतलब टी बराबर जीरो पर टी बराबर जीरो पर स्लोप शुड बी प्लस टेन टी बराबर शून्य पर स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए इस कंडीशन पर यहां पर स्लोप जीरो है यहां पर देखोगे तो स्लोप निगेटिव है और यहां पर देखोगे तो स्लोप पॉजिटिव है तो आपने बोला सर जो पॉसिबल हो सकता है वो ग्राफ नंबर एक पॉसिबल हो सकता है और क्यों हो सकता है क्योंकि इसका यहां पर जो स्लोप है मेरे प्यारे बच्चों वो पॉजिटिव है कैसा है पॉजिटिव है तो आपने कहा सर उससे क्या करना मैंने कहा बेटा टी बराबर जीरो पर जो स्लोप होगा वह इनिशियल वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा होगा क्योंकि ये कैसा ग्राफ है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड वेलॉसिटी को डिफाइन करता है तो टी बराबर शून्य पर वेलॉसिटी कितनी है दस मीटर पर सेकेंड इसलिए टी बराबर जीरो पर स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए मेरी जान इसको आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखना है इसमें किसी तरीके कोई परेशानी वाली बात तो नहीं कोई शंका वाली बात तो नहीं कुछ ग्राफ कुछ आज पहुंचेंगी ठीक है ना ग्राफ अभी संपूर्ण नहीं हो पाया तो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन में जो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं वो अभी फंसेंगे बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके हो जाएंगे डीपीपी के बेटा ठीक है ना तो पहला काम आपको क्या करना है

और फिर हम लोग जंप करेंगे मेरे प्यारे बच्चों वेरिएबल एक्सेलरेशन के ऊपर और वेरिएबल एक्सेलरेशन के ग्राफ को खत्म करेंगे और फिर इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स को देखेंगे और इंटीग्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे तो कल मोस्ट प्राइबली हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट पूरा खत्म कर पाएंगे विद इंटीग्रेशन पार्ट और उसके बाद फिर हम लोग आगे की कहानी को प्रारंभ करेंगे ठीक है ना तो कल की क्लास में मोस्ट प्राइवली हो जाएगा आज की डीपीपी आपको मिल जाएगी डीपीपी के सोल्यूशन इसके बाद अवेलेबल हो जाएंगे उसको लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है राइट और अभी एच में उसके आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है एचसीवी के आगे का दिया। तो आपने, आपने पढ़ को हाँ। क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं? बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कर लिया था ट्वेंटी करना है और ट्वेंटी का ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ठीक है इसके बाद बच्चों वर्कआउट एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर फोर नहीं करेंगे वो इंटीग्रेशन और पेज सॉरी फोर नहीं करना है अभी सिक्स कर, लें, कर लेंगे सिक्स कर लेंगे सोल्व एग्जाम्पल नंबर सिक्स फिफ्थ और सिक्स सोल्व एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ और सिक्स ये दोनों करने हैं आपको। और एक्सरसाइज में जो ग्राफ वाले क्वेश्चन थे एचसीबी में वो एक बार और फिनिश कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ टेंथ क्वेश्चन अभी आपको नहीं करना है राइट टेंथ क्वेश्चन अभी आपको नहीं करना वो इंटीग्रेशन पर एरिया निकाल के टू तो एक, एक से लेके पांच तक ऑब्जेक्टिव टू भी एक से लेके तक करना। ठीक है वन टू फाइव ऑब्जेक्टिव वन और वन टू फाइव ऑब्जेक्टिव टू ये दोनों चीजें आपको करनी है बच्चों डीपीपी पहुंच गई है और uh, क्या बोलते हैं इसके अलावा बाकी चीज आपको करते रहेंगे हम लोग बताते रहेंगे ठीक है चलो तो थैंक यू इसके अलावा कुछ और तो नहीं बचा बेटा बी की पीडीएफ बेटा मिल जाएगी यार की बेटा शेयर कर दो ना तुम लोग ग्रुप रूप में ऐड किए होगे ना एक ग्रुप रूप में बना बना लो जिस पर एच सीबी की पीडीएफ एक बार शेयर कर लो ताकि सबका सेट हो जाए मामला यार किसी का मामला ऊपर नीचे ना रहे अच्छा ठीक है मैं होमवर्क लिख देता हूँ ताकि होमवर्क को लेकर किसी बच्चे के मन में कोई डाउट ना हो होमवर्क में बेटा मैंने बोला है ऑब्जेक्टिव वन एक से लेके पांच ऑब्जेक्टिव टू एक से लेके पांच डीपीपी जो लास्ट टाइम पे मिली थी डीपीपी नंबर फोर और डीपीपी नंबर फाइव आपको कंप्लीट करनी है लगभग और सिर्फ ओनली uh, सिर्फ graph, इसके अलावा मैंने आपको बोला है एक्सरसाइज में बोला है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी और ट्वेंटी थ्री से ट्वेंटी सिक्स यहां तक करना है और इसके अलावा फिर आपको सॉल्ड एग्जांपल बोले हैं क्वेश्चन नंबर एक दो तीन पांच छ दो तीन पांच छ चलो ठीक है बेटा चलो थैंक यू बाय बाय टेक केयर मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में है ना मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो मस्ती में रहो बिल्कुल टेंशन वेंशन नहीं लो किसी तरीके के बवाल दिमाग में मतलब क्या हो एकदम मस्त रहो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो और किसी तरीके के जीवन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है धन्यवाद बाय टेक केयर बाय बाय और ग्रुप ग्रुप में ऐड कर लो बच्चे एच की पीडीएफ पीढ़ी भेज दो यार किस बच्चे के पास नहीं बेचारे कुछ नए नए बच्चे उनके पास नहीं है तो प्लीज भेज दीजिए